अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणना सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे सुनो साथ, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। मथुरा है साला सही, धाम क्षेत्र गोकुल पुनीत, सुख विलास वृंदावन में, धाम द्वारका नीत, धाम द्वारका नीत, नदी गोमती तीर्थ, अक्षरती धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से हरिद्वार का प्रसंग वर्णित कर रहे हैं। हरिद्वार के इस प्रसंग में अब आप सुनेंगे निम्बार्क संप्रदाय वाले क्या बोलते हैं। वैष्णव के चार पंथों में एक पंथ है निम्बार्क पंथ। कल आपने सुना था रामानुज पंथ की पद्धति, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देवता नारायण हैं, विष्णु आचार्य हैं और अलख निरंजन गायत्री मंत्र का हम जप करते हैं। जब श्री जी ने पूछा कि तुम्हारा धाम तो इस नश्वर जगत के अंदर ही 14 लोकों के अंदर, और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि महाप्रलय में सारे जगत का लय हो जाता है, तो बताइए आपका जो परमात्मा है वो कहाँ रहेगा, रामानुज वाले चुप हो गए। एक ही प्रश्न श्री जी का रहेगा कि जब महाप्रलय होगा तो बताइए आप कहाँ रहेंगे और आपका परमात्मा कहाँ रहेगा। सारी सृष्टि को यह मालूम नहीं है। जैसे परमात्मा तो अविनाशी कहा जाता है, दुनिया मानती है कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और सृष्टि के कणकण में व्यापक है। कोई मानता है वैकुंठ में है, कोई मानता है निराकार में है, कोई कहीं मानता है, लेकिन जब सृष्टि ही नहीं रहेगी, सब कुछ लय हो जाएगा, तो बताइए परमात्मा तो विनाश से रहित है, उत्पत्ति से रहित है, वो कहाँ रहेगा। किसी को उत्तर आता नहीं। अब इसके पश्चात निम्बार्क पंथ वाले खड़े हो जाते हैं कि श्री जी हम आपको अपने संप्रदाय की पद्धति बताते हैं। या निम्बार्क संप्रदाय चला है दक्षिण भारत से। इसके चलाने वाले जो आचार्य थे इनका पहले का नाम था नियमानंद। इन्होंने एक चमत्कार किया, वृंदावन में आकर के रहने लगे, वहीं ध्यान साधना की। संध्या के समय एक महात्मा इनके पास आए। उनका नियम था कि वो सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करते थे, लेकिन अतिथि को बिना भोजन कराए किसी के लिए भी भोजन करना हमारी संस्कृति में पाप माना जाता है। निमानंद जी ने कहा कि नहीं, आपको भोजन तो करना पड़ेगा, देखिए सूर्य तो चमक रहा है। अपने आत्मिक बल से इन्होंने दिखा दिया कि देखिए सूर्य नीम के पेड़ के ऊपर चमक रहा है। तभी से इनका नाम निम्बार्क पड़ गया। नीम अर्क का अर्थ होता है सूर्य, यानी नीम के पेड़ के ऊपर जिसने डूबते हुए सूरज को, जगमगाते हुए सूरज को दिखा दिया, और इनके द्वारा जो संप्रदाय चला उसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय। अब निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी क्या कहते हैं कि आप हमारी पद्धति सुनिए। हमारी पद्धति में क्या है, मथुरा है साला से, हम मथुरा को साला कहते हैं। साला किसको कहते हैं, निवास को, यानी
जहाँ निवास किया जाए, हमारे अनुयायी, हमारी पंथ को मानने वाले उसको साला कहते हैं। चलो जल्दी जल्दी चलो। धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत। और क्षेत्र क्या है? पवित्र गोकुल को हम अपना क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र को मैंने कल बताया था कि संपूर्ण भारतवर्ष को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संवेता, युयुत्सव, आपने गीता का ये श्लोक सुना होगा। तो जो ये कुरु का जो क्षेत्र है, इसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। उसी के पास आप जाएंगे तो मार्कंडेय क्षेत्र भी आपने सुना होगा। आप जब जाते हैं इधर हरियाणा में यात्रा करते हुए कुरुक्षेत्र के पास, तो वहाँ ही मार्कंडेय ताल भी बना हुआ है। यानी जैसे कल भी बताया था कि पुरुषोत्तम क्षेत्र अलग है, पुरुषोत्तम क्षेत्र का भाव अलग है, परशुराम क्षेत्र है, ऋषियों के नाम से अलग अलग क्षेत्र बना दिए गए हैं। जल्दी जल्दी चलो। सुख विलास वृंदावन में। सुख विलास का स्थान क्या है? नित्य वृंदावन। कुछ इधर की कहेंगे, कुछ उधर का कहेंगे। सुख विलास का तात्पर्य क्या है? हम मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात कहाँ सुख भोगते हैं, उसको कहते हैं सुख विलास का स्थान। जब आप मुक्त हो गए, परमात्मा को जान लिए, तो बताइए आपके आनंद का धाम क्या होगा? तो कहते हैं वृंदावन। धाम द्वारका नीत। और देखिए, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। अखंड नित्य वृंदावन की बात कर रहे हैं, अखंड गोकुल की बात कर रहे हैं, और फिर धाम कहाँ बता दिया? द्वारिका। यानी कुछ पता नहीं कि श्री कृष्ण नाम से लीला करने वाला स्वरूप कौन है। तन तो एक श्री कृष्ण का है, जिसने नित्य वृंदावन में लीला की, उसके अंदर तो अक्षरातीत का आवेश है। और शास्त्रों में कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छत। वृंदावन को छोड़कर रास बिहारी कहीं नहीं गए। इन्होंने धाम कहाँ बना दिया? द्वारिका को। द्वारिका में लीला किसने की? विष्णु भगवान ने लीला की। कहाँ? अखंड रास बिहारी को मानने वाले, अखंड ब्रज बिहारी को मानने वाले। और फिर कहाँ आ गए? ये द्वारिका में। जैसे पहाड़ से गिरा और खाई में गिरा, उसी तरह से इन्होंने ऊपर जाकर फिर नीचे की बात कर दी। नदी गोमती तीर्थ। तीर्थ किसको कहते हैं? जना यह तरंति तान तीर्थान। जिन जिन शुभ कर्मों से मनुष्य भव सागर से पार होता है, उसको तीर्थ कहते हैं। सत्य बोलना तीर्थ है, स्वाध्याय करना तीर्थ है, प्राणायाम करना तीर्थ है, परमात्मा का ध्यान करना तीर्थ है, दीन दुखियों की सेवा करना तीर्थ है। लेकिन ये नहीं कि आपने अयोध्या, काशी, मथुरा चले गए, वहाँ पंडों को खूब पैसा दे आए, लोगों को भोजन कराए, तो आप तीर्थ कर लिए। इससे पाप नहीं कटते। पाप तो कटता ही नहीं। हाँ, यदि आप शुभ कर्म करेंगे, शुभ कर्मों के बदले आपको सुख मिलेगा। लेकिन परमात्मा या मुक्ति सुख और दुख दोनों से परे हैं। यदि आप परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो सुख और दुख दोनों से परे शाश्वत आनंद में विहार करेंगे। आनंद आत्मा का विषय है, सुख अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का विषय है। सुख और दुख दोनों हृदय के विषय हैं, और आनंद आत्मा का विषय है। आपकी आत्मा आनंद में मग्न कब रहेगी? जब आप पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाएंगे। पाप के बदले दुख भोगना पड़ेगा, पुण्य के बदले सुख मिलेगा। सुख दुख दोनों ही संसार के हैं, आनंद परम धाम का विषय है। इसलिए मनीषी जन हमेशा आनंद की कामना करते हैं, और वो भी ब्रह्मानंद की, विषयानंद की नहीं। विषयों में कोई आनंद नहीं है, क्षणिक आनंद है, और उसी के पीछे सारा संसार पागल हुआ जा रहा है। इष्ट रुक्मणी होए। और इष्ट किसको कहते हैं? रुक्मणी को हम इष्ट मानते हैं। आप देखिए, राधा को कह देते तो चलता। सुख विलास का स्थान कहाँ माना? नित्य वृंदावन में। नित्य वृंदावन में लीला किसने की? राधा ने और श्री कृष्ण ने। अब ये कहाँ से आ गए? जैसे अभी मैंने कहा, पहाड़ से गिरे और नीचे आ गए एकदम। इनको पता ही नहीं कि रुक्मणी और राधा में कितना अंतर है। रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ हुआ था। रास बिहारी के साथ जिन्होंने लीला की, और उस राधा के अंदर तो श्यामा जी की सुरता थी,
लेकिन कहाँ से परमधाम की लीला को छोड़कर कहाँ आ बैठे इस संसार में। यजुर्वेद हर नाम की माला, वेद कौन सा मानते हैं, यजुर्वेद को, हरि नाम की माला, और हरि हरि नाम की माला को, परमात्मा के नाम की माला को जपते रहते हैं। तारे छब सल सब सोए, और जब इसको हम करते हैं परमात्मा के नाम की माला जपते हैं तो सभी शोक समाप्त हो जाते हैं। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी, और देवी किसको मानते हैं, वृंदा को। वृंदा की एक झूठी कहानी गढ़ रखी है पौराणिकों ने कि जालंधर की पत्नी थी वृंदा, विष्णु भगवान ने छल से जालंधर का रूप धारण किया, उसका सतीत्व नष्ट किया और तब जालंधर राक्षस को मारा गया। वृंदा को जब ये पता चला तो उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। लक्ष्मी जी ने भी वृंदा को श्राप दिया कि जाओ तुम तुलसी बन जाओ और गंदी जगहों पर उगा करोगे। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, जब तक मेरे साथ तुम्हारा भोग नहीं लगेगा तब तक मैं भोग को स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए सारे वैष्णव लोग वृंदा का और विष्णु भगवान का विवाह कराते हैं। जानते हैं किस रूप में, तुलसी का और शालिग्राम का विवाह रचाया जाता है। बेचारे गरीब आदिवासियों को तो अपने माता पिता के दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं हैं और इस देश में तुलसी और शालिग्राम पत्थर का विवाह रचाया जाता है, पानी की तरह पैसा उड़ाया जाता है। जब सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा ही पत्थर बन गया तो सृष्टि को कौन चलाएगा। शास्त्रों में किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन पुराणों में इतनी झूठ की बातें भर दी गई हैं कि जो उस झूठ को पढ़ता है वही भटक जाता है और सारा हिंदू समाज इसी में भटका हुआ है। आप उनको कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो तो लड़ने को आएंगे कि हमारी आस्था है। जैसे अभी कुछ दिन पहले शंकराचार्य ने कह दिया था इतना ही केवल कि साईं बाबा कोई अवतार नहीं है, लोग लड़ने मरने को आ गए कि हम साईं बाबा को माने या किसी को माने, शंकराचार्य कौन होते हैं कहने वाले। अवतार तो महापुरुषों का होता है, परमात्मा का अवतार कहीं लिखा नहीं है। अवतार का तात्पर्य है अवतरित होना। महापुरुष इस सृष्टि में सृष्टि के कल्याण के लिए अवतरित हुआ करते हैं। तो शंकराचार्य ने कोई भी गलत बात नहीं की, लेकिन वो भी जो तरह तरह के अवतार माने बैठे हैं पुराणों को पढ़कर, वो भी भ्रांति है। वेद में, उपनिषद में, दर्शन में कहीं परमात्मा के अवतरित होने का प्रसंग नहीं है। ये तो अनहोनी घटना के रूप में, अक्षरातीत के चरण कमल आगे, जिनको भी दुनिया की भाषा में विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक कहा जाता है, कहीं कहीं पर अवतार शब्द जोड़ दिया जाता है, लेकिन अवतार नहीं कहा जा सकता क्योंकि अवतार 24 विश्व के वैकुंठ से आवे जाए। वाणी में कहा है, बसदेव गोकुल ले चले ताई ने कही अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है बार। यानी परमात्मा का अवतार नहीं होता। संध्या पूजा में आप गाते हैं, कृष्ण ही अवतारी साधु भाई कृष्ण ही अवतारी। अवतार शब्द से तात्पर्य क्या है, अवतरित होना। जो मुक्त पुरुष हैं उस सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। योगेश्वर श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम अहम सृजामि अहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का ह्रास होता है तो धर्म की उन्नति के लिए अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम, धर्म की वृद्धि के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए मैं युग युग में अवतरित होता रहूं, यह श्रीकृष्ण जी की मनोकामना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं अवतरित होता रहा हूँ, यानी जो भी महापुरुष होगा वो पृथ्वीवासियों का कष्ट नहीं देख सकता। इसलिए जो मुक्त आनंद में विचरण करते हैं महापुरुष, वो सृष्टि में तन धारण कर लेते हैं कि चलो इस दुनिया में चलकर दुनिया के लोगों का उद्धार किया जाए। इसको अवतार आप कह सकते हैं, लेकिन सच्चिदानंद परमात्मा माता के गर्भ में कभी नहीं आता। प्रणव मंत्र ओमकार, और मंत्र कौन सा है, प्रणव मंत्र। हम ओम का नाम जपा करते हैं, ओम हमारा मंत्र है। चली संप्रदाय सनकादिक से, और हमारी संप्रदाय कहाँ से चली है, सनकादिक से। सनकादिक ब्रह्मा जी के चार
मानसिक पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। गोपाल वंश है गायत्री। और हमारा मंत्र क्या है? गोपाल गायत्री मंत्र। सभी ने अपने अपने नाम से गायत्री मंत्र बना लिया है। गायत्री छंद में जो मंत्र लिखा जाता है उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। इसमें तीन चरण है, भूर्व ओम भूर्व स्व। दूसरा चरण है तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तीसरा चरण है धियो योनः प्रचोदयात्। इसमें परमात्मा की प्रार्थना है। गायत्री कोई देवी नहीं है जो हंस पर बैठी है, ये तो पौराणिक मान्यता है। गायत्री छंद में लिखे हुए मंत्र को गायत्री मंत्र कहते हैं। पौराणिकों ने सोचा कि हम अपनी अपनी गायत्री क्यों नहीं बना लें, तो वैष्णों ने राम गायत्री, हनुमान गायत्री, सीता गायत्री, लक्ष्मण गायत्री, भरत गायत्री बना लिया। जो कृष्ण के उपासक हुए उन्होंने गोपाल गायत्री बना लिया। अब तो साई गायत्री भी बन गया है। नए युग में साई बाबा का जो अवतार हुआ, इन्होंने सारे अवतारों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि टीवी में जो चमत्कार दिखाया गया और भोली भाली हिंदू जनता टूट पड़ी कि साई बाबा ही परमात्मा है। किसी को सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति नहीं चाहिए, साईं बाबा की भक्ति चाहिए। किसी समय एक देवी संतोषी माता की पिक्चर चली थी, सारे जगह जगह संतोषी माता के मंदिर बन गए और संतोषी माता की पूजा होने लगी। किसी भी पुराण में संतोषी माता का नाम नहीं लिखा है। इसी तरह से स्वामी सहजानंद ने गुजरात में आकर प्रचार कर दिया कि देखो मैं नारायण का अवतार हूँ। सारे गुजरात ने मान लिया कि सचमुच सहजानंद स्वामी नारायण के अवतार हैं। और नारायण स्वामी मत चल गया, पूरी दुनिया में देखिए स्वामी नारायण का मत फैल गया। दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है वो भी स्वामी नारायण का मंदिर है। उस मंदिर में जाएंगे तो क्या दिखेगा? अरबों रुपये का खर्चा है, 400 करोड़ रुपया जब बना था उस समय का खर्चा था, कम से कम यानी 100-100 करोड़ के चार विश्वविद्यालय बन सकते थे। यदि कोई धार्मिक विश्वविद्यालय चार बन गए होते 100-100 करोड़ के, तो उससे अब तक हजारों विद्वान तैयार होते। लेकिन उसमें क्या बनाया? ताजमहल से ज़्यादा सुंदरता है, अंदर चित्रकारी की गई है। एक में शायद राधा कृष्ण का मंदिर है, शिव पार्वती का मंदिर है, शायद सीताराम का मंदिर है, और फिर स्वामीनारायण का मंदिर है, मूर्ति रखी हुई है। इससे समाज को क्या मिल रहा है? कोई जाता है, फवारे दिखाए जाते हैं, स्वामी सहजानंद की जीवनी दिखाई जाती है। यदि इन चीज़ों को करने की अपेक्षा समाज में ज्ञान दिया जाता तो आज हिंदू समाज का पतन नहीं होता। मैं समझता हूँ 80% हिंदुओं ने अपने मूल धर्म ग्रंथों को नहीं देखा है कि वेद किस बला का नाम। 40% लोगों ने गीता, हो सकता है 40% लोगों ने तो शायद गीता भी ना देखी हो, और 90% का 95% हिंदुओं को तो गीता का पहला श्लोक भी याद नहीं होगा। और मैं समझता हूँ 70% हिंदुओं को गायत्री मंत्र भी याद नहीं होगा। कितना दुर्भाग्य है, एक 12 साल का मुस्लिम का लड़का पूरी कुरान को कंठस्थ कर लेता है, वो रिक्शा भी चलाएगा तो भी कुरान उसको याद रहेगा। और हिंदुओं की ये दुर्दशा है कि पत्थर के भगवानों को सिर पटकते पटकते इन्होंने भूला दिया कि हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है। ग्रंथ को देखने के लिए इनके पास समय भी नहीं है। और 70 लाख महात्मा अपने मठों में पत्थर के भगवान बनाकर खिलाते पिलाते रहते हैं। पढ़ना, ध्यान करना, समाज और राष्ट्र की चिंता करना इनके मस्तिष्क में होता ही नहीं। परिणाम यही हो रहा है कि 1000 साल बीत गए, अरे गहरे जो भी आए हिंदुओं को धक्का मारते गए और ये सिर नीचे करके सुनते रहे। अपने भाइयों को तो तिरस्कृत करेंगे कि हम बड़ी जात के हैं, तुम दलित हो, हमारे सामने कुर्सी पर खाट पर नहीं बैठ सकते, लेकिन दूसरों के सामने, अंग्रेजों के सामने या मुगलों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे और अपने भाइयों को दूध काटते रहते थे। इसी का परिणाम हुआ कि हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग दूसरे मतों में चला गया, क्रिश्चियन बन गया, मुस्लिम बन गया। नागालैंड में क्या हुआ? केरला में क्या हुआ? दक्षिण भारत में कितने मुस्लिम बने, क्रिश्चियन बन गए? क्यों? जब आप अपने भाइयों को दुत्कारोगे तो ईसाई बनेंगे, और जब तक हिंदू हैं तब तक गाय को माता कहेंगे, क्रिश्चियन बनेंगे, मुस्लिम बनेंगे तो उसी गाय को मारकर खा जाएंगे, क्योंकि उनको शिक्षा ही ऐसी दी जाती है। इसका दोषी कौन है? दोषी है वो लोग जो हिंदू समाज में अग्रगण्य कहलाते हैं, जो समाज में कभी ज्ञान का प्रकाश नहीं होने देंगे।
जब समाज में ज्ञान ही नहीं फैलेगा, कोई अपने ग्रंथों को देखेगा नहीं, तो भटकाव में तो फंसे गए। जल्दी जल्दी नारद है आचार्य। हमारे आचार्य कौन है? नारद। आचार्य किसको कहते हैं? आचार्य अकस्मात आचारम ग्राह्यत, जो आचरण को ग्रहण कराता है वो आचार्य है, यानी हमारा जो पथ प्रदर्शक होता है। हमारे आचार्य कौन है? नारद जी। ऋषि दुर्वासा मान। दुर्वासा जी हमारे ऋषि हैं। विष्णु को वाहन सही। और विष्णु के जो वाहन है क्या है? गरुड़। वो हमारे क्या है? देवता। वो जो संतों की हमेशा रक्षा किए करते हैं। तब किए प्रश्न श्री राज ने। तब राज जी क्या प्रश्न पूछते हैं? तुम में नहीं विचार। हे आचार्य जनो, आप जरा भी विचार नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ की बात कहाँ से जोड़ते हैं? सार असार को एक किए। आपने तो झूठ और सच दोनों को मिलाकर गड्डम गट कर दिया। कहाँ नित्य वृंदावन की बात करते हो, फिर देवी मान लेते हो वृंदा देवी की, कहाँ तुलसी और शालिग्राम की कहानी में आ जाते हो। तुम्हें तो अखंड वृंदावन के आनंद में मग्न रहना चाहिए था। अखंड रास बिहारी के प्रेम में डूबते तो तुम्हारे जीव का कल्याण हो जाता, लेकिन तुमने तो इस नश्वर जगत के 14 लोकों में पुनः अपने को डुबो दिया। तुम बिना सतगुरु क्या करो? कह रहे हैं कि बिना सतगुरु के तुम क्या कर सकते हो? तुमको तो बोध ही नहीं पता चला कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। छूटे नहीं भवसा खेद। तुम्हें संसार का बंधन छोड़ नहीं पाया है, क्योंकि जब तक तुम्हें अखंड धाम अखंड लीला परमात्मा के अखंड स्वरूप का बोध न हो। परमात्मा क्या है? अखंड। उसका धाम क्या है? अखंड। लीला क्या है? अखंड। ये नश्वर ये जगत क्या है? नश्वर। जगत की लीला भी नश्वर। और यहाँ जिनको परमात्मा कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शिव नारायण, सभी महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाले। आप शंकर जी का फोटो देखिए, वो भी तो ध्यान कर रहे हैं। विष्णु भगवान भी क्षीर सागर। क्षीर सागर किसको कहते हैं? मानसरोवर में। क्षीर का अर्थ होता है दूध, दूध का रंग होता है सफ़ेद। जहाँ सालों भर बर्फ जैसी सफ़ेद बर्फ जमी रहती हो, और जिस मानसरोवर का जल एकदम दूध की तरह श्वेत है, उसी क्षीर सागर में अपना निवास बनाकर, क्षीर सागर यानी मानसरोवर की झील में निवास बनाकर विष्णु भगवान ध्यान करते हैं। आप बद्रिकाश्रम में नरनारायण के रूप में उन्होंने ध्यान किया था, इसलिए बद्रिकाश्रम को तीर्थ माना जाता है। ये जितने तीर्थ आज माने जाते हैं, वहाँ हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने ध्यान किया था। जिस परमात्मा का ध्यान करने से वहाँ का आभा मंडल पवित्र हुआ, उनको आज हिंदू समाज तीर्थ तो मानता है, लेकिन जिस ध्यान के करने से वो पवित्रता हुई, वह ध्यान नहीं करता, वहाँ मूर्ति बना देता है, कभी किसी अवतार की कभी किसी अवतार की, और वहाँ पंडित पुजारी अपना व्यापार शुरू कर देते हैं, मठाधीश लोग अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते, अरे भाई यहाँ लाखों हिंदू आ रहे हैं, कुछ ज्ञान के केंद्र तो बनाओ। आप देखिए हरिद्वार में तो चलिए 3 विश्वविद्यालय बन गए हैं, स्वामी रामदेव का है, गायत्री वालों का है, गुरुकुल कांगड़ी है। पहले तो कोई विश्वविद्यालय नहीं था। वृंदावन में कोई विश्वविद्यालय नहीं। काशी में भी जो विश्वविद्यालय बने हैं अब बने हैं, यानी काशी विद्यापीठ है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये सब स्वतंत्रता से कुछ पहले और अब के बने हैं। 100 वर्ष पहले तो काशी में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, जबकि हजारों वर्षों से लोग वहाँ जाते रहे हैं। किस लिए? काशी में करवत करवाते थे, शरीर को आरे से चिरवाते थे। यह अंध परंपरा बना दी गई थी कि जो काशी में अपने शरीर को आरे से चिरवाएगा वो सीधे मुक्त स्वर्ग को जाएगा। आप बताइए कितने भोले भाले हिंदू अपने शरीर को आरे से चिरवाते थे। तो जिन पंडों के द्वारा यह कहा जाता था कि जो काशी में शरीर को आरे से चिरवाएगा उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, तो उन पंडों से कहा जाता पहले आप ही मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, पहले आपको ही शरीर चिर देते हैं, पहले आप चले जाइए, बाद में हम चिरवाएंगे। इसके लिए पंडित तैयार नहीं होते। वो शरीर तो गटर में बहते बहते गंगा में फेंक दिया जाता था, पंडों को तो पैसा लेना था। शरीर भी चिरवाओ और
धन भी दो। यदि उतना कष्ट परमात्मा के ध्यान में लगाते तो हिंदू धर्म का कितनी ऊंचाई से चला जाता। लेकिन अंधविश्वास कि पहाड़ से छलांग लगा लो, काशी में आरे से चिरवा लो, परमात्मा क्या काशी में बैठा है? यदि काशी में बैठा है तो औरंगजेब की सेना ने जब काशी पर हमला किया तो पंडों ने काशी विश्वनाथ को कुएं में क्यों फेंक दिया था, छिपा दिया था? नहीं तो मुगल उसको भी उठा ले जाते। जो परमात्मा एक औरंगजेब से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, जो परमात्मा महमूद गजनवी से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा? परमात्मा तो वह है जो कभी जड़ पदार्थ के बंधन में नहीं बंधता है। उसने तो पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियाँ, सूर्य जैसे असंख्य सूर्य, हमारी गैलेक्सी जैसी असंख्य गैलेक्सियाँ एक पल में पैदा कर सकता है, एक पल में लय कर सकता है। भला महमूद गजनवी औरंगजेब की क्या समर्थ जो उसको कोई छत पहुँचा सकते थे? लेकिन जब हिंदू की आस्था परमात्मा पर हो तब तो वेद ने कहा कि परमात्मा कौन है? आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताद, अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है परमात्मा। उसको एक शालिग्राम में या शिवलिंग के रूप में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन हिंदू समाज ने जब भगवान को, परमात्मा को एक जड़ मूर्ति के रूप में बांध दिया, तभी से हिंदुओं का पतन शुरू हो गया। उन्होंने ज्ञान भी छोड़ दिया, भक्ति भी छोड़ दी, शिष्टाचार भी छोड़ दिया, सारा ध्यान उसको नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने में लगाने लगे। अब तो और अति हो गई, जब साईं बाबा की मूर्तियाँ बना दी जाती हैं और साईं बाबा के लिए बेचारे जीवन भर तो भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते रहे, उनके लिए सोने के रथ, सोने की खड़ाऊँ, भोले भाली हिंदू जनता को कौन विश्वास दिलाए कि अरे भाई साईं बाबा की मूर्ति के लिए तुम सोने का रथ ला रहे हो? क्या साईं बाबा कभी रथ पर बैठते थे? कभी सोने की खड़ाऊँ पहनते थे? वो तो बेचारे संत थे, फकीर थे, उनका जीवन सादा था। तुम ये पैसा लेकर आदिवासियों को शिक्षा क्यों नहीं देते? उन बेचारे आदिवासियों के बच्चे को जाकर देखो, वो नंग धड़ंग घूम रहे हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं। जो पढ़ने की उम्र होती है, खेलने की उम्र होती है, उसमें वो मजदूरी करते हैं पेट भरने के लिए। मैंने गुजरात में जा कर के देखा है, मध्य प्रदेश के इलाकों में देखा है, बनवासी इलाकों में, उन आदिवासियों का जीवन कितना कठिन होता है। शरीर भी नंग धड़ंग, पेट भरने के लिए लकड़ी काटेंगे, जंगल से कुछ तोड़ कर लाएंगे, शाम को बेचेंगे, वही बनाकर खाएंगे। मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा क्या इतना कठोर हो गया है कि इन बनवासियों की दया, बनवासियों की दुर्दशा नहीं देखी जाती? उनके भक्तों को दया क्यों नहीं आती कि जो इन बनों में रहने वाले गरीबों के हृदय में बसता है वो भी तो परमात्मा का अंश उसमें होगा? परमात्मा का अंश नहीं तो परमात्मा की सृष्टि तो है बनवासियों के अंदर। सच्ची पूजा, मानवता की पूजा ही सच्ची पूजा है। पत्थर के भगवान को, लकड़ी के भगवान को आप दूध खिलाओ, 56 भगवान मिष्ठान खिलाओ, भगवान खाने वाले नहीं हैं। इन दीन दुखियों को खिलाओ, इनको शिक्षा दो, परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। लेकिन यह बात कोई मठाधीश या कोई पंडा पुजारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब विष्णु श्याम आचार्य जने, अब इसके पश्चात जब श्री जी ने कहा कि तुम कुछ इधर की बात कर रहे हो, कुछ उधर की बात कर रहे हो, अखंड नित्य वृंदावन की बात करके फिर तुम कहाँ आ जा रहे हो, तब विष्णु स्वामी के मत के लोग खड़े, आचार्य खड़े हो जाते हैं कि प्राणनाथ जी हम आपको समझाते हैं कि हमारे संप्रदाय की पद्धति क्या है। विष्णु स्वामी संप्रदाय के प्रवर्तक भी दक्षिण भारत के ही थे, निम्बार्क, माध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और रामानुज, ये चारों दक्षिण भारत के ही आचार्य थे। इन्होंने वैष्णवों के चार पंथों की नींव रखी जो आज पूरे देश में फैले हुए हैं। इष्ट उपासना वेद जाप, हम आपको बताते हैं कि हमारे इष्ट कौन है, हम किसकी उपासना करते हैं, कौन सा हमारा वेद है, हम किसका जप करते हैं, ये सारी बातें हम बता रहे हैं। विष्णु कांची है धर्मशाला, हमारी हमारे धर्म की शाला क्या है? विष्णु कांची, ये भी दक्षिण भारत में है। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोए, और हमारा तीर्थ क्या है? श्वेत गंगा चक्र। तीर्थ में अभी मैंने बताया किसी स्थान विशेष को तीर्थ नहीं कहते हैं, शुभ कर्मों को तीर्थ करते हैं। क्योंकि आप हरिद्वार में जाइए, गंगा में कूद जाएंगे तो क्या होगा, गंगा तैराएगी नहीं, गंगा में तो डूब जाएंगे आप। तीर्थ का अर्थ होता है जना याय तरंती तानि तीर्थान,
मनुष्य जिन शुभ कर्मों से भव सागर से तर जाए उसको तीर्थ कहते हैं। नदी कभी तीर्थ नहीं होती। हाँ, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, नर्मदा के किनारे पहले ऋषि मुनि योगी रहा करते थे, उनके पास जाने से ज्ञान मिलता है। जैसे पहले साधु महात्मा नर्मदा के किनारे, गंगा के किनारे भ्रमण किया करते थे। नर्मदा के उद्गम से लेकर समुद्र तक भ्रमण करने का उद्देश्य था, कोई न कोई योगी महात्मा मिल जाता था। इसी तरह से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक साधु महात्मा भ्रमण करते थे। इसलिए कहा गया है कि गंगा और नर्मदा के किनारे खोज करने पर कोई न कोई संत महापुरुष योगी से भेंट हो जाएगी और वो हमको भवसागर से पार होने का मार्ग बता देगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि नर्मदा में डुबकी लगाने से मुक्त हो जाएगा या गंगा में डुबकी लगाने से मुक्त हो जाएगा सही नहीं है। यदि गंगा में एक बार आप डुबकी लगाने से मुक्त मानते हैं तो जो उसमें रहने वाले घड़ियाल हैं, मछलियाँ हैं, मेंढक हैं, उन तो जीवन भर उसी में जन्म होता है, उसी में मरते हैं, उनको भी मोक्ष होना चाहिए। लेकिन गंगा में जन्म लेने वाले मरने वाले का कभी मोक्ष नहीं होता। कौन सी गंगा? प्रेम की गंगा, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाइए, परमात्मा के ज्ञान में डुबकी लगाइए। परमात्मा के ध्यान रूपी प्रेम की गंगा में डुबकी लगाएंगे तो आप भवसागर से पार होंगे। केवल इस जल वाली गंगा में डुबकी लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, इस गंगा में पहले आप जा करके गंगोत्री से आप गंगा के किनारे किनारे वापस लौटिए तो आपको पता चलेगा कि गंगा में तरह तरह के झरने आकर के मिलते हैं, स्रोत आते हैं। हिमालय की दिव्य औषधियों का रस छन छन करके गंगा में पड़ता है। इसलिए आज से 100 वर्ष पहले गंगा का जल इतना पवित्र था कि आप 1 लीटर पी लीजिए तो पूरे दिन आपको पोषक तत्व मिल जाता था। जीवन में कभी दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल तो कानपुर हो, बनारस हो, कोलकाता जैसे शहर, सभी शहरों का, पटना का सारा कचरा, शहर का गटर उसी में डाल दिया जाता है, तो गंगा क्या लाभ करेगी? औषधियों की रक्षा हम करें कि नहीं? हम गंगा की आरती उतारते हैं लेकिन गंगा को गंदा करने से झिझकते नहीं। दूसरे देश वालों ने, आप अमेरिका में, ये इंग्लैंड में जाकर देखिए, टेम्स नदी का पानी कितना साफ सुथरा है। भारत का दुर्भाग्य है, यूरोप में आप जाइए, गांव गांव में तालाब खुदे मिलेंगे, तालाब में झांकेंगे तो आपको अपनी छाया दिखाई देगी, कहीं भी तालाब में कचरा नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के लोगों को शौक हो गया है, अपने घर का कूड़ा सड़क पर फेंकेंगे, और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी यूपी तो इसके लिए बदनाम है। हर शहर के पास जाइए, चाहे बुढ़ाना हो, नकुड़ हो, गंगो हो, सरसावा हो, सभी शहरों में कूड़ा सड़क पर ही फेंका जाएगा। गांवों के लोग हों, शहरों के लोग हों, ये सड़क को गंदा करना अपना गौरव समझते हैं। नदियों में, तालाबों में घर का सारा कचरा फेंकेंगे। यानी हम हिंदुस्तानियों को सफाई से घृणा है, गंदगी से प्रेम है, इतना प्रेम परमात्मा से नहीं है। कहीं भी विदेश में जाएंगे तो हिंदुस्तान के लोग अपनी पहचान छप बता देते हैं, एक तो शोर मचाएंगे और दूसरे कहीं खाकर गंदा अवश्य करेंगे। स्लीपर क्लास में जितने यात्री होते हैं मूंगफली खाकर वहीं गिराएंगे, चाहे तो खिड़की से कचरा फेंक सकते हैं लेकिन बाहर नहीं फेंकेंगे, वहीं गिराएंगे और पूरे डब्बे को गंदा कर देंगे। ये कैसी मानसिकता है? हम गंगा के भक्त कहलाते हैं, गंगा को स्वच्छ नहीं रख सकते। सुख विलास इंद्र दमन मद, और हम सुख का विलास, सुख विलास का हमारा साधन क्या है? इंद्र दमन मद, इंद्रियों का दमन करने से हमारा हृदय निर्मल होता है, इसी को हम सुख विलास का साधन मानते हैं। मारकंड है तीर्थ, और हमारा तीर्थ क्या है? मारकंड क्षेत्र को हम अपना तीर्थ मानते हैं, जहाँ वो सरोवर है जिसके पास मार्कंडेय ऋषि ने तप किया था, उसको हम तीर्थ मानते हैं। परशोत्तमपुर धाम, और जो पुरुषोत्तमपुर क्या है? पुरुषोत्तम कौन है? वैकुंठ बिहारी। हमारा धाम क्या है? वैकुंठ, उसको हम धाम मानते हैं। ब्रह्म गायत्री जानियो, और हम कौन सी गायत्री को मानते हैं? ब्रह्म गायत्री। ब्रह्म गायत्री है भोर भ से जो मंत्र शुरू होता है उसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। राम गायत्री में
जितने मंत्र मिलेंगे, धियो योनः प्रचोदयात् समय रहेगा, लेकिन आगे के जो शब्द हैं अपने अपने इष्ट के अनुसार, राम गायत्री, हनुमान गायत्री, सीता गायत्री, कहीं ऐसा ना हो। आजकल तो रावण के भी उपासक बनने शुरू हो गए हैं, जाति के नाम पर रावण की भी पूजा शुरू हो गई है। मुझे तो लगता है किसी के मन में आया तो रावण गायत्री का भी मंत्र बना सकता है। जब साईं गायत्री बन सकता है तो रावण गायत्री क्यों नहीं बन सकता? जिसके मन में जो आता है कलयुग में मंत्र बना देता है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? जो वेद की ऋचाओं में लिखा है केवल वो मंत्र है। मंत्र बनाने का अधिकार मनुष्य को नहीं होता, लेकिन 5000 साल से इतना आडंबर चल गया, हर संप्रदाय का अनुयायी अपना अपना मंत्र बना लेता है। महादेव से संप्रदाय, और हमारी संप्रदाय किससे चली है? शंकर जी से। आप देखिए कितना पक्षपात है। वैष्णव के चारों पंथ कह रहे हैं, निम्बार्क वाले कह रहे हैं कि हमारी पद्धति संकादिक से चली है। ये विष्णु स्वामी वाले कह रहे हैं कि शंकर जी ने इस पद्धति को चलाया है। तो जो शिव पुराण को, लिंग पुराण को मानते हैं, जो शंकर जी के अनुयायी होंगे, क्या वो मानेंगे कि शंकर जी विष्णु के भक्त थे? विष्णु वाले कह रहे हैं कि शंकर जी ने विष्णु की भक्ति की। शंकर जी वाले कहेंगे कि नहीं, विष्णु ने शंकर की भक्ति की, और दोनों आपस में लड़ मरते हैं। तुलसीदास जी के ज़माने में शैव और वैष्णव एक दूसरे के खूनी शत्रु थे। आप देखते हैं वैष्णव महात्मा चिमटा लिए रहते हैं और शैव महात्मा त्रिशूल लिए रहते हैं। ये किस लिए रहते हैं? एक दूसरे को मारने के लिए रहते हैं। जब आप महात्मा हो गए हो तो आपको त्रिशूल और चिमटा रखने की क्या जरूरत है? लेकिन हमारा इष्ट बड़ा, हमारा पंथ बड़ा, जितनी ऊर्जा अपने पंथ को बड़ा करने में ये लगाते हैं, उतनी ऊर्जा ध्यान करने में लगाते हैं, ग्रंथों का स्वाध्याय करने में लगाते, समाज में सत्य ज्ञान का प्रकाश करते, तो धर्म की इतनी हानि नहीं होती। लेकिन हिंदू समाज गुलाम बना रहा हजार सालों तक, इन सांप्रदायिक आचार्यों ने, महात्माओं ने कभी समाज का मार्गदर्शन नहीं किया। ये विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाए, ये विष्णु श्याम की पद्धति है। तुम तो ये जग में कही। अब श्री जी पूछते हैं कि हे आचार्य जनों, तुमने ये जो भी बात कही है इस संसार की बात कही है। वेद पुराण जग नाश कहे, वेद और पुराणों में तो कहा है कि जगत का नाश होता है। सृष्टि से पहले क्या था? तम आसीत तमसाम गूढ़म अग्रे। सृष्टि से पहले ये जगत अंधकार से आवृत था। जब महाप्रलय होगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये सूरज नहीं दिखेगा, ये चंद्रमा, ये सितारे, ये पृथ्वी, कुछ नहीं बचेगा। ये जगत कैसे पैदा हुआ है? अंधकार से। आसीत इदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अतर्क्यम प्रसुप्तम इव सर्वतः। ये जगत उत्पन्न होने से पहले अंधकार से आवृत था, प्रकृति के घने अंधकार से। ये आप जो रात को इतने तारों की संख्या देख रहे हैं, असंख्य तारे, ये सृष्टि से पहले नहीं थे। आप पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो आपको ये नीला आकाश नहीं दिखाई देगा, घना अंधकार। महाप्रलय में जब कुछ भी नहीं था, उसमें क्या था? केवल एक परमात्मा था। उसकी लीला विलास के रूप में यह सृष्टि पैदा हुई है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि महाप्रलय में तो कुछ नहीं बचेगा, ये बताओ जो तुमने अपने सारे धाम इस दुनिया में मान रखे हैं, महाप्रलय में तो ये रहेगी ही नहीं। तुम्हारा परमात्मा जब रहेगा नहीं तो तुम्हें मुक्ति का आनंद कौन देगा? बेचारों को क्या उत्तर आए? आप सारे देश में चले जाइए, यही कहानी है। जब परमात्मा ही नष्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या? तब कही माधवाचार्य जने। आप माधवाचार्य वाले क्या कह रहे हैं? गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद। अब माधवाचार्य के अनुयायी आचार्य कहते हैं कि हे प्राणनाथ, हम आपको अपना गोत्र बताते हैं, क्षेत्र बताते हैं, आप इसको सुनिए। पूरी अवंतिका साला सही। हम, हमारी पूरी क्या है? अवंतिका। अवंतिका यानी उज्जैन, और वही हमारी साला है। निमखार क्षेत्र हो ए। हमारा क्षेत्र क्या है? नैमिष सारण्य। नैमिष ये क्या है? महर्षि दधीची ने जहाँ साधना की थी सीतापुर के क्षेत्र में, उसको नैमिष सारण्य कहते हैं।
इसमें ज्ञान के बड़े बड़े सत्र चला करते थे, इसलिए उस क्षेत्र को नैमिषारण्य कहते हैं और माध्वाचार्य के अनुयायी आचार्य कहते हैं कि हम उसको अपना क्षेत्र मानते हैं। सुख विलास है अपंत मध्य, और सुख विलास का स्थान क्या है? अंगपात मध्य। हम साधना के द्वारा अपने शरीर को जर्जर कर लेते हैं, उसको हम सुख विलास का साधन मानते हैं। बद्रीनाथ धाम है सो, और हम धाम किसको मानते हैं? बद्रीनाथ को। देखिए, जब महाप्रलय होगा तो ये पृथ्वी नहीं रहेगी, हिमालय नहीं रहेगा, तो बद्रीनाथ धाम कहाँ रहेगा? धाम किसको कहते हैं? जहाँ परमात्मा का वास हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न तत्र भास्ते सूर्यो न सशंको न पावक। जहाँ सूर्य नहीं चमकता, चंद्रमा नहीं, अग्नि नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जिस धाम को प्राप्त होने के बाद पुनः लौटना नहीं होता, मेरा वह परम धाम है। अब देखिए गीता क्या कहती है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, वो हमारा धाम है। और आखिर मध्वाचार्य मत के सन्यासी भी तो इस श्लोक को पढ़ते होंगे, लेकिन उनको ये बोध कौन बताए कि भाई धाम इस दुनिया में नहीं होता। धाम तो जहाँ है वहाँ परमात्मा की लीला होती है। जहाँ परमात्मा का अखंड स्वरूप हो, अखंड लीला हो, जहाँ का अखंड आनंद हो, अखंड शांति हो, उसको कहते हैं धाम। यत्र आनंदाश च मोदाश च मुदा प्रमदा आस्ते कामस्य यत्र कामा तत्माम अमृतम कृत इंद्रा इंदो परिसरवा। हे परमात्मा, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हो, मुझे उस धाम में ले चल। वेद ने तो ऐसा कहा। ये लोग वेद का नाम लेते हैं लेकिन सारा काम वेद से उल्टा करते हैं। मैंने अभी आपको कहा, वेद में कहीं नहीं लिखा है शालिग्राम की पूजा, कहीं नहीं लिखा है शिवलिंग की पूजा, लेकिन ये करेंगे जरूर। अलखा नदी तीर्थ हमारो, अलकनंदा को तीर्थ मानते हैं। जो बद्रीनाथ से जो नदी की धारा निकलती है, आगे वो मिल जाएगी। गंगोत्री से जो धारा निकलती है उसको गंगा, और अलकनंदा जो बद्रीनाथ से निकलती है उसकी धारा मिल जाती है। गंगा क्या है? ऋषिकेश में जो गंगा देखते हैं उसमें हिमालय के अलग अलग भागों से जल की धाराएं आती हैं, उसमें हजारों झरनों का जल मिलता है। छोटी छोटी जल की धाराएं मिलकर गंगा का एक रूप ले लेती हैं। आप ऋषिकेश से आगे चलना शुरू कीजिए तो आप गंगोत्री तक, बद्रीनाथ तक जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये भगीरथ प्रयास कितना कष्टकारी कार्य रहा होगा, हिमालय की सारी धाराओं को एकत्रित करके इस मैदानी भाग में जल को लाना। भगीरथ ने ये किया, आज तक उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जो शिव की जटा क्या है? शिव की जटा में उलझ गई। शिवालिक यानी हिमालय की जो सबसे निचली श्रेणी है उसको शिवालिक कहते हैं। जैसे हरिद्वार है, ये श्रीनगर है, ये नीचे के जो पहाड़ी स्थान है ऋषिकेश, ये सभी शिवालिक में आएंगे। तीन स्तर हैं, शिवालिक है सबसे नीचे वाली, बीच वाली है मध्य हिमालय जिसमें नैनीताल मसूरी वगैरह आ जाएंगे, और तीसरी है महाहिमालय जो साल भर बर्फ से ढके रहती है। इसमें माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, ये सारे शिखर बर्फ से ढके रहते हैं, इनको महाहिमालय कहते हैं। शिव की जटाओं में गंगा उलझ गई, यानी हिमालय से जो बर्फ का जल आता है पिघल पिघल करके, भगीरथ ने अपने अथक प्रयास से उनको एक नदी का रूप दे दिया, और जिससे आकर के ये इधर ऋषिकेश के हरिद्वार के क्षेत्र में गंगा के रूप में परिवर्तित हो गई। इसको कहते हैं शिवालिक, यानी अलक यानी जटा को कहते हैं, यानी शिव की जटा। हिमालय को ही शिव कहा गया है। उनकी जटाओं में गंगा उलझ गई, यानी हिमालय के निचले भाग में गंगा एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। इसको न समझने के कारण एक पौराणिक कथा कह दी गई कि विष्णु के पैरों से निकली, ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण किया और शिव ने अपनी जटाओं में उलझा लिया। इस अलंकारिक रहस्य को न समझने के कारण कथा बना दी जाती है। इतनी बड़ी गंगा एक कमंडल में कैसे रह सकती है? किसी ने ये तो नहीं सोचा ब्रह्मा जी का कमंडल कितना बड़ा रहा होगा। ब्रह्मा क्या है? जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति हुई हो, यानी हिमालय का वह भाग
जिसमें गंगा का जल बर्फ के रूप में जमा रहता था, वह है ब्रह्मा का कमंडल। विष्णु के चरणों से निकली, विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक परमात्मा, जो चरण कहते हैं कृपा दृष्टि को, उस परमात्मा की कृपा दृष्टि से हिमालय क्षेत्र की ऐसी रचना हुई जिसमें बर्फ के रूप में सारा जल संग्रहित रहता था, गर्मी के रूप में पिघल पिघल कर नालों के रूप में प्रवाहित हुआ, झरनों के रूप में प्रवाहित हुआ, इधर उधर बहता रहता था। भगीरथ ने सबको मिलाकर एक नदी का रूप दे दिया और कल्याणकारी उस शिवालय यानी शिव यानी हिमालय के निचले भाग में नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। इसको कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु के सहयोग से भगीरथ के द्वारा शिव के कृपा दृष्टि से इस पृथ्वी पर मैदानी भाग में गंगा का अवतरण कराना। सावित्री तो इष्ट, हमारी इष्ट कौन है? सावित्री। हर नाम की माला उर में, और हरि विष्णु भगवान के नाम को हम अपने हृदय में जपते रहते हैं। आज का विषय थोड़ा शुष्क लगता होगा, लेकिन पूरे हिंदू समाज का ये तत्व ज्ञान है। इसको आप समझ लेंगे, जो भी समझ लेगा वो उस सत्य से जानकार हो जाएगा, उस सत्य को जान लेगा कि आज हिंदू समाज कहाँ भटका है, किसको परमात्मा मान रहा है। जल्दी, विष्णु गायत्री है गाना। और हम कौन सी गायत्री को मानते हैं? विष्णु गायत्री। सब में धियो यो न प्रचोद्यात लिखा रहेगा, लेकिन उसमें विष्णु की स्तुति की गई है। गायत्री मंत्र में क्या है? सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति है। भूर्भुवस्व का अर्थ क्या होता है? सच्चित आनंद। किसी भी मंत्र में ओम लिखा नहीं रहता, ओम अपनी तरफ से जोड़ा जाता है। विष्णु तत्का अर्थ होता है, उस सावित्री का अर्थ होता है सूर्याद प्रकाशकों का भी प्रकाशक, वरेण्यम वरण करने योग्य, भार्गा तेजोमयी जो परमात्मा का स्वरूप है, धीमा ही धारण करें धिया बुद्धि को, वह जो परमात्मा है प्रचोद्यात प्रेरित करें। यानी जो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है, सूर्य आदि प्रकाशकों का प्रकाशक है, वर्णन करने एकमात्र ध्यान करने योग्य है, उस परमात्मा के तेजोमय स्वरूप को हम धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ हुआ है। सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान जो सच्चिदानंद परब्रह्म है, उसकी भक्ति है गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र में किसी देवी की प्रार्थना नहीं है, जैसे कि लोगों ने जगह जगह आजकल मूर्तियां बना रखी है, गायत्री को हंस पर बैठा रखा है, दुर्गा जैसी देवी थी एक और देवी बढ़ गई, लोगों ने अपनी नादानी से गायत्री को देवी बनाकर मूर्ति पूजा करना शुरू कर दी। अब गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, जप करने से बुद्धि पवित्र होती है। अब गायत्री की मूर्ति बनाकर उसकी भी आरती पूजा भोग लगना शुरू हो गया, और जहाँ मंदिर बने वहाँ अज्ञानता अपना घर कर लेता ही है। ज्ञान के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा इन मंदिरों से पहुँच रही है, क्योंकि मंदिर जन जागृति के केंद्र होने चाहिए, ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। आप देखेंगे दुनिया के 104 देशों में ब्रह्मा कुमारी मत फैल गया, कोई इनका तत्व ज्ञान ऊँचा नहीं है, लेकिन इन्होंने ज्ञान के केंद्र बनाए। कुछ बहनें वहाँ रहती हैं, अपने ज्ञान फैलाती हैं, सारे लोग अनुयायी हो जाते हैं। हजारों साल से मंदिर चले आ रहे हैं, किसी को इन्होंने ज्ञान तो नहीं दिया। मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी जाती है, वहाँ ले जाकर के प्रसाद चढ़ा दीजिए। वहाँ जाने से मिलता क्या है? वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, परमात्मा हृदय मंदिर में मिलेगा। हृदय में तो कोई खोजता नहीं, मंदिर के भगवान को भीख के रूप में प्रसाद चढ़ाता है, वहाँ पैसे की मारा मारी रहती है, धनवान की ज़्यादा मात्रा होती है, गरीब को वहाँ भी धक्के खाने पड़ते हैं। यदि पैसे ना दीजिए तो वहाँ का पंडा ही धक्के दे करके बाहर भगा देता है। अछूत को, दलित को कई मंदिरों में तो घुसने भी नहीं दिया जाता। अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, उनकी पत्नी तरसती रह गई एक मंदिर में जाने के लिए, लेकिन अंबेडकर मंत्री होते हुए भी अपनी पत्नी को उस मंदिर में प्रवेश नहीं करा सके, और इसी आशा में उनकी पत्नी ने तन छोड़ दिया। बताइए कैसा भगवान, कैसा परमात्मा, जो एक मंदिर की चार दीवारी के अंदर बंद रहता है,
वो अछूतों को नहीं मिल सकता, ऐसा ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। चार वेद, चार उपवेद, छह अंग, छह उपांग में कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा मंदिर में रहता है। परमात्मा जब मिलेगा तो आपको हृदय में मिलेगा। गीता में आज से 5000 वर्ष पूर्व डिंडिम घोष के साथ अर्जुन से कहा था योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति अर्जुन, हे अर्जुन आत्मा के धाम हृदय में परमात्मा रहता है, हृदय में खोजो, अपने हृदय में प्रेम लाओ, अपने ध्यान को प्रकृति से परे करो, वो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। हिंदुओं ने खुद परमात्मा गढ़ लिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल दी, उस पर 56 भोग चढ़ाने लगे, सारा हिंदू समाज ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से, शिष्टाचार से रहित हुआ, और उसका दंड 1000 वर्षों की गुलामी। फिर भी बुद्धि में बात समझ में नहीं आती, आज भी होड़ लगी है, कौन कितना खर्चीला मंदिर बनाएगा, अरबों रुपये आज भी फूके जा रहे हैं, शिक्षा के लिए कोई भी नहीं खर्च करता, कि हम अंधकार में भटकते हुए इन हिंदू गरीब हिंदुओं के लिए कुछ साहित्य तो बांटें, कुछ पाठशाला खोलें, कुछ विश्वविद्यालय महाविद्यालय बनाएं, जहां निःशुल्क बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जा सके। इस पर चारों शंकराचार्य भी मौन हैं, महामंडलेश्वर भी मौन है, 70 लाख महात्मा भी मौन है, कौन मार्ग दिखाएगा समाज को? विष्णु हंस रूप मंत्र है। और हमारा मंत्र क्या है? चलो ब्रह्मा आचार्य प्रमाण विष्णु हंस रूप मंत्र है। विष्णु भगवान ने हंस के रूप में जो रूप धारण करके जो तत्व ज्ञान दिया उन्हीं का हम मंत्र मानते हैं। हंस ऋषि पुनि देवता। ब्रह्मा हमारे आचार्य हैं और हमारे ऋषि कौन है? हंस ऋषि। ब्रह्मा ते संप्रदाय। और हमारी संप्रदाय कहाँ से चली है? ब्रह्मा से। सालोक है मुक्त हमारी। हम कौन से मुक्ति को मानते हैं? सालोक्य को। देखा जाए तो सारे लोक किसके बनाए हुए हैं? परमात्मा के। सालोक्य मुक्ति तो सबको मालूम है। सामीप्य, सामीप्य मुक्ति परमात्मा सबके निकट है, इसलिए सामीप्य मुक्ति है। सारूप्य, जीव भी अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है, तो दोनों एक रूप के हुए, क्योंकि दोनों वैदिक मान्यता में अनादि माने गए हैं। इस तरह से अपने अपने मन की कल्पनाओं से इन्होंने मुक्ति मान ली, एक जगह जाकर के बंध गए, इच्छा अनुसार घूम नहीं सकते, इच्छा अनुसार कहीं जा नहीं सकते, तो मुक्ति क्या हुई? ये पद्धत माधवी सुहाय। ये माधवाचार्य की यह पद्धति है। तब कहे प्रश्न श्री राजने। तब राज जी क्या कहते हैं? ये तो कही जग माही। हे आचार्य जनों, आपने तो सारी बात इस जगत की ही कही है। कहे वेद जग भ्रम है। वेद का कथन है कि जगत तो ये भ्रम ही है। तब मुक्त कही सो काही। धर्म ग्रंथों का कथन है कि यह सारा जगत क्या है? ब्रह्ममयी है। मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और सुन, ये नाम सारे नीति के निराकार निर्गुण। निराकार निर्गुण जिसको कहते हैं उसी को भ्रम कहते हैं, उसी को मोह तत्व कहते हैं, उसी को काल कहते हैं, उसी को कहते हैं शून्य। इस ब्रह्ममयी जगत की उत्पत्ति भ्रम से हुई है, शून्य से हुई है, निराकार से हुई है, मोह से हुई है, इसलिए सारा जगत ब्रह्ममयी है। कल क्या होगा आपको नहीं मालूम, आज से 10 साल पहले क्या हुआ था आपको याद नहीं, आज के 100 साल के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं, इस जन्म से पहले आप कहाँ थे कुछ पता नहीं, सब भ्रम ही भ्रम में है। अब 10 नाम संन्यास विधि के का वर्णन आप सुनेंगे, 10 नाम मत के सन्यासी खड़े हो जाते हैं, चारों वैष्णव के संप्रदाय थक करके बैठ जाते हैं। प्राणराज जी ने केवल एक प्रश्न पूछा कि जब महाप्रलय होगा तो धाम कहाँ रहेगा, परमात्मा का निवास कहाँ रहेगा, और आपकी मुक्ति का ठिकाना कहाँ रहेगा, इसका कोई उत्तर नहीं वो दे पाते हैं। सन्यास का अर्थ होता है काम्यानाम कर्मणाम न्यासा सन्यास इत कवियो विदु। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं काम्य कर्मों का परित्याग कर दिया जाए वह सन्यास है। काम्य यानी इच्छा, आप इच्छा से रहित हो जाए। एक सन्यासी को इच्छा नहीं करनी चाहिए कि उसके पास संपदा हो, उसको बैंक बैलेंस नहीं करना चाहिए। लोकेश्वर प्रतिष्ठा की इच्छा,
लोग मुझे अच्छा कहें यह भी एक माया है। वित्तेष्णा धन की इच्छा और दारेष्णा हमारे संगे संबंधी बने रहे। शिष्यों का एक बहुत बड़ा जमघट हमारे साथ चला करें, ये संन्यास नहीं है। कुंभ में क्या होता है, शक्ति प्रदर्शन होता है, पैसे पर भी देखा जाता है, भाड़े के महात्मा बना लिए जाते हैं और हर मठाधीश छत्र चंवर और छत्र के साथ रथ पर बैठा होता है और भाड़े के महात्मा जय जयकार लगा करके चला करते हैं। ये दिखाया जाता है कि कौन महात्मा कितना शक्तिशाली है कि उनके पास इतने महात्माओं की भीड़ है। ये संन्यास नहीं है, संन्यास का अपमान है। सन्यासी थे शंकराचार्य जो 16 वर्ष की अवस्था में अकेले केरला से निकल पड़े, सारे देश को एक सूत्र में बांध दिया। दयानंद सन्यासी थे, गौतम बुद्ध सन्यासी थे, हाथ में जो मिला उसी को खाया। एक बार दयानंद जी को 3 दिन तक खाने को नहीं मिला, किसी ने भोजन के लिए पूछा ही नहीं। फिर एक किसान से कच्चा बैगन मांगा और कच्चे बैगन को खाकर उन्होंने अपना गुजारा किया। आप ये बताइए, ये 56 भोग खाने वाले जो रथों पर घूमते हैं, 60 लाख की कारों में घूमते हैं, ये संन्यास नहीं है? ये तो गृहस्थ में राजाओं जैसा सुख है। संन्यास इसलिए नहीं बनाए, सन्यासी जैसे चक्रवर्ती सम्राट होता है उसी तरह से सन्यासी भी परिव्राट होता है। सन्यासी को राजनीतिज्ञों के पीछे पीछे घूमने के लिए नहीं बनाया गया है, वो तो नेताओं से ऊपर है, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी ऊपर है। लेकिन ये तब ऊपर माना जाएगा जब उसमें ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, वो सारे संसार का कल्याण करना चाहता हो। यदि आज के सन्यासी नेताओं के आगे हाथ जोड़े खड़े होते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि उनमें वास्तविक सन्यास नहीं है। सन्यासी के दृष्टि में चक्रवर्ती सम्राट और एक भिक्षुक में कोई अंतर नहीं होता है, वो सबको एक दृष्टि देखता है। वो प्रशंसा की, प्रतिष्ठा की कामना नहीं करता बल्कि वो सबके कल्याण के लिए उपदेश देता है। अब ये 10 नाम संन्यास मत के खड़े हो जाते हैं, एक एक की पद्धति सुनिए और सुनिए ये क्या बता रहे हैं। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, अब पश्चिम मन्या के आचार्य जन खड़े हो जाते हैं। मठ शारदा तहाए, और उस मठ का नाम क्या है, शारदा मठ। परम द्वारका क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसको मानते हैं, द्वारिका को। देखिए इनका भी जान वही संसार के इर्द गिर्द, 14 लोक निराकार से परे ये सन्यासी भी नहीं जा पाते। सन्यास किसको कहते हैं, अभी आपने सुना गीता में श्री कृष्ण जी एक बात कहते हैं कि इच्छा रहित होकर जो कर्म करता है, अनिच्छिता कार्यम करोतिया सन सन्यासी च योगी न निरग्नि च अग्रेया। निठल्ले बैठे रहना सन्यासी का लक्षण नहीं है। वेदांत के सूत्रों को याद करके आजकल सन्यासी क्या करते हैं, हम तो पूर्ण हो गए हैं, अब हमें कोई काम नहीं करना है, ये अक्रियवाद सन्यासी का लक्षण नहीं है। गौतम बुद्ध ने कभी निष्क्रियता नहीं दिखाई। सन्यासी इसलिए नहीं होता कि वो दिन रात बैठा रहे। सन्यास तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, कमजोर व्यक्तियों के लिए सन्यास नहीं होता। जो ज्ञान से वृद्ध है, तप से वृद्ध है, वैराग्य से वृद्ध है, ज्ञान में, तप में, वैराग्य में जो हर तरह से योग्य होता है उसी को सन्यास लेने का अधिकार होता है। आजकल तो क्या होता है, पत्नी मर गई या घर की संपत्ति बर्बाद हुई तो अपने आप कपड़े पहन लेते हैं, अपने आप महात्मा भी बन जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। जब भर्तृहरि सन्यास लेने के लिए गोरखनाथ के पास गए तो भर्तृहरि को गोरखनाथ ने कहा कि जाओ पिंगला को माता कहकर भिक्षा मांग करके ले आओ तो मैं तुम्हें सन्यास की दीक्षा दूंगा। जिसके साथ 7 जन्मों का संबंध था उस पिंगला को जैसे उन्होंने माता पिंगले कहा, पिंगला ने सोचा कि अब मुझे सती हो जाना चाहिए। आप सोचिए सन्यास लेने का अधिकार किसको होता था, जो 7 फेरों की पत्नी को भी माँ के दृष्टि दुख है। आज कोई मर्यादा नहीं रह गई, तभी तो इस देश में राम रहीम जैसे लोग भी अपने को महात्मा कर लेते हैं। ये विकृति क्यों आई,
क्योंकि वो दीक्षा नहीं, वो संस्कार नहीं, वो तप नहीं, वो ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं। हर कोई कपड़ा पहन करके अपने आप महात्मा बन जाता है, और ये तथा कथित स्वयंभू महात्मा ही संन्यास को कलंकित करते हैं। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से रहित जो सन्यासी बन जाता है, वो कहीं ना कहीं भटकाव को जन्म देता है। सुदेचर देवता सुहाए, और देवता हम किसको मानते हैं? सुदेचर को। कीटवार है संप्रदाय, संप्रदाय का नाम है कीटवार। कीटवार का तात्पर्य क्या है? जो सभी प्राणियों से बैर भाव त्याग करते, किसी के प्रति हिंसा की भावना ना हो मन, वाणी और कर्म से, उस संप्रदाय को कहते हैं कीटवार संप्रदाय। यानी पश्चिमी मन्या जिसके मठ है शारदा, उन वो कहते हैं कि हमारे संप्रदाय का नाम है कीटवार। चलो, तीर्थ आश्रम दो नाम, और ये अपने सन्यासियों के नाम के आगे तीर्थ और आश्रम लगाते हैं। आश्रम किसको कहते हैं? जिसमें आश्रम यानी जिसमें रहने से आना जाना समाप्त हो जाए, किसी तरह की तृष्णा न रह जाए कि हम इतना धन इकट्ठा कर लें, हमारी ये प्रतिष्ठा हो जाए। किसी आश्रम में रह रहे हैं, दिन रात परमात्मा के ध्यान में लगे हैं, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे आश्रम लिखना शुरू कर दिया। ब्रह्मा विष्णु है देवता, हमारे देवता कौन है? ब्रह्मा और विष्णु। ये पश्चिम मन्या विश्राम, ये पश्चिमी मन्या की विधि है। दूसरी मन्या है पूरब की। अब श्री जी एक एक मन्या की विधि सुनते जाते हैं और सोचते हैं कि बेचारे ये सन्यासी लोग कहाँ भटके हैं, इनको तो अखंड परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला का कुछ भी बोध नहीं, अज्ञानता ने इनको इतना अंधकार में डाल रखा है। जब सन्यासी जो समाज को ज्ञान देने वाला हो वही अंधकार में भटक रहा होगा तो समाज का क्या होगा। वन आरण्य दो नाम, इनके सन्यासियों के नाम क्या है? वन और आरण्य। भोग गोवर्धन है मठ, और ये जो है इनका मठ का स्थान कौन है? गोवर्धन मठ। भोगवार संप्रदाय ठाम, और इनके संप्रदाय का नाम क्या है? भोगवार संप्रदाय। भोगवार यानी जिसने संसार के सभी लौकिक भोगों का परित्याग कर दिया है, सभी विषय भोगों का परित्याग जिस संन्यास में कर संप्रदाय में कर दिया जाए, उस संप्रदाय को भोगवार संप्रदाय कहते हैं। पहला संप्रदाय आपने सुना कीटवार, दूसरा है भोगवार। एक कहता है कि हम सभी प्राणियों के प्रति हिंसा भाव से रहित हो जाते हैं, दूसरा संप्रदाय कहता है हम सभी विषयों के सुख का भोगों का परित्याग कर देते हैं। रोहिण्या महोदधी तीर्थ, रोहिणी नदी और महोदधी, महोदधी यानी सागर, ये तीर्थ किसको मानते हैं? रोहिणी नदी को और महोदधी यानी सागर को। इन आचार्य के मुखे, श्री जी ने उन आचार्यों के मुख से जब इनकी पद्धति सुनी, जल्दी जल्दी चलो, त्रीजी मन्या जो कही, अब तीसरी जो मन्या है उसको सुनिए। जोशी मठ आनंदवार संप्रदाय, ये मठ क्या है? जोशी मठ, आप बद्रिकाश्रम जाएंगे तो उसके पहले जोशी मठ आपको रुकना पड़ता है। हरिद्वार से यदि आप बस में जाएं तो जोशी मठ रात को विश्राम करना पड़ता है। बद्रिकाश्रम से लगभग 30-40 किलोमीटर पहले जोशी मठ आता है। जोशी मठ में शंकराचार्य जी ने विश्राम किया था, और उनका एक मठ है जोशी मठ। जोशी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और दक्षिण में सिंगेरी मठ, ये चार मठ, इनके आप नाम सुनेंगे। पद बद्रीनाथ आश्रम है सीध, और हमारा क्षेत्र क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का जो क्षेत्र है उसको हम मानते हैं जिसमें सिद्ध पुरुष रहा करते हैं। नर नारायण है देवता, हमारे देवता कौन है? नर नारायण, क्योंकि नर नारायण ऋषि ने बद्रिकाश्रम में तप किया था। बद्री कहते हैं बेर के पेड़ को। अब बद्रिकाश्रम का नाम इसलिए पड़ा है कि नर नारायण ऋषि ने जहाँ तप किया था वहाँ एक बेर का पेड़ था, और उसी के नाम पर उसका नाम बद्रिक आश्रम, यानी बेर के पेड़ के पास जो आश्रम बना उसको क्या कहते हैं? बद्रिक आश्रम। वह नर नारायण की तपोस्थली है, आज वहाँ एक विशाल मंदिर बन गया है।
मूर्ति पूजा की स्थापना हो गई है, पूजा पाठ चलता रहता है। जो ध्यान साधना करने वाले तो मंदिर से दूर रहते हैं। प्राचीन काल में कुछ हुआ, उसका रूप दूसरे रूप में कर दिया गया, गिरी पर्वत सागर नाम। और हमारी मन्या के जो सन्यासी होते हैं उनके नाम के आगे गिरी पर्वत और सागर शब्द जोड़ा जाता है। जैसे किसी का नाम होगा ज्ञान सागर या अमुक गिरी जी महाराज, तो गिर किसको कहते हैं? गिरी यानी जो पर्वतों में रहकर कठोर ध्यान में तल्लीन रहता हो उसको गिरी कहते हैं। इसी प्रकार कोई अपने नाम के आगे पर्वत शब्द जोड़ लेते हैं। सागर का तात्पर्य यह होता है जिसमें जिसके ज्ञान में सागर जैसी गहनता हो उसको सागर कहते हैं। इन इन शब्दों के ये अर्थ होते हैं। और अपने नाम के आगे जैसे आजकल देखते हैं कोई अपने नाम के आगे सिंह रखता है, कोई नाम के आगे शर्मा रखता है, कोई कुछ रखता है, ये जैसे गृहस्थी लोग अपनी उपाधि लगाते हैं उसी तरह से सन्यासी महात्मा भी ये अपने 10 नामों की उपाधि लगाते हैं। वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती, ये सब नाम हैं जो 10 नाम सन्यास मत शंकराचार्य के जो शिष्य के शिष्य थे उनसे ये सब प्रचलित हुए। प्राचीन काल में कभी किसी ऋषि मुनि के आगे कोई नाम उपाधि नहीं चलती थी। जैसे वशिष्ठ गिरि नहीं सुना होगा आपने, वशिष्ठ सरस्वती नहीं सुना होगा। व्यास को मुनि कहा जाता है, ऋषि कहा जाता है, लेकिन व्यास भारती नहीं सुना होगा। गृहस्थियों ने भी पहले कहीं अपने नाम के आगे उपाधि नहीं रखी है। भरत सिंह आपने नाम सुना है, राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, अर्जुन सिंह, भीम सिंह, युधिष्ठिर सिंह, दुर्योधन सिंह कोई नहीं रखता था। जब से क्षत्रियों ने अपने नाम के आगे सिंह तो रखना शुरू कर दिया लेकिन इनकी बहादुरी चली गई। हाँ, ये जब से जातिगत उपाधियाँ चलने लगी तब से सब आपस में लड़ मरे, हमारी ये उपाधि है, हमारी ये उपाधि है, और इन उपाधियों ने हिंदू समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। महात्माओं में भी उपाधियाँ चल गई और गृहस्थियों में भी चल गई, ये दोनों ही अनर्थकारी हुई। पुण्यागिरी देवी ठाम। और हम देवी किसको मानते हैं? पुण्यागिरी को। चौथी मन्या दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा की चौथी मन्या है, उसको सुनिए। तीन नाम है ताहे। उसके अंदर तीन नाम आते हैं, पूरी, भारती, सरस्वती। हाँ, पूरी, पूरी किसको कहते हैं? जो ब्रह्मपुरी के तत्व को जानता हो, परमात्मा कहाँ रहते हैं? अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, प्रमाजमाना हरणी यस्सा संपरीवृताम पूरी हिरण्य ब्रह्म अविवेश अपराजिता। उस ब्रह्मपुरी में ब्रह्म विराजमान है। इस मन्या के सन्यासियों का दावा है कि हम परमात्मा की पूरी को जानते हैं, इसलिए अपने नाम के आगे पूरी रखते हैं। भारती किसको कहते हैं? जो ज्ञान के भार से, योग के भार से लौकिक संसार के भार को नगण्य करते उसको कहते हैं भारती। सरस्वती का अर्थ क्या होता है? जो स्वर ज्ञान में तल्लीन हो, शुद्ध उच्चारण करने वाला हो और ज्ञान में पूर्णतया निष्णात हो उसको कहते हैं सरस्वती। श्रृंगेरी मठ है जाहे। और हमारा मठ क्या है? श्रृंगेरी मठ। जल्दी, श्रृंगेरी से पृथ्वी धारा चराज। और हमारा संप्रदाय क्या है? भूरवार है संप्रदाय। हमारा संप्रदाय भूरिवार। भूरिवार का अर्थ क्या होता है? भूर कहते हैं सोने को। जिसने सोने के समान चमकते हुए सुंदर शरीर के सौंदर्य का मोह छोड़ दिया है उस संप्रदाय को क्या कहते हैं? भूरिवार संप्रदाय। और हमारा क्षेत्र क्या है? रामेश्वर। हमारे देवता कौन है? आदि वराह देवता। सृष्टि के प्रारंभ में विष्णु ने जो वराह अवतार धारण किया था उसको हम देवता मानते हैं। देवी क्या है? कामाख्या देवी। कामाख्या देवी के मंदिर को मैं विवश होकर कसाई खाना ही कह देता हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ गया हूँ। न जाने कितने जानवरों की वहाँ हत्या की जाती है। जब देवी के भक्त क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेश जीव रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। एक तरफ देवी को कहते हैं कि सभी प्राणियों के अंदर जीव के रूप में है, फिर वो बकरे का मांस क्यों खाएगी, भैंसे का मांस क्यों खाएगी,
बेचारे कबूतरों का मांस क्यों खाएगी? इन पशु पक्षियों ने क्या बिगाड़ा है कि देवी के मंदिर में ले जाकर इनकी बलि चढ़ा देते? जहाँ जहाँ देवी के मंदिर हैं, काली कलकत्ते वाली जो कहाँ जाती है, रामकृष्ण परमहंस के समय में भी वहाँ पशुओं की बलि दी जाती थी, आज भी शायद दी जाती है। मैहर की भवानी को पशु पक्षी चढ़ाए जाते हैं, विंध्याचल देवी में भी पशु पक्षी चढ़ाए जाते हैं। जिसको जगत माता कहते हैं उसको तो दयालु होना चाहिए, वो अपने ही प्राणियों का मांस क्यों खाएगी? कहीं नहीं लिखा है। जैसे मुसलमान लोग अपने अल्लाह ताला को कहते हैं कि हम अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का अर्थ क्या होता है? त्याग करना। आप अपनी कुर्बानी क्यों नहीं कर देते हैं? अपनी तो बलि दे दीजिए, तृष्णाओं की तो कोई कुर्बानी करता नहीं। बेचारे भोले भाले पशुओं को जिबह करते हैं, काट देते हैं, रेत रेत करो भी। आयत पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हे परमात्मा तू दयालु है, तू कृपालु है, और जिस जानवर की गर्दन काटी जा रही होती है वो तड़प रहा होता है, तो क्या अल्लाह इन लाखों पशुओं को तड़पा तड़पा कर खुश होता है? जब वो दयालु है तो क्या पशु पक्षियों के लिए उसकी दया नहीं? कई लोग पकड़े रहते हैं, ऊँट की बलि दी जा रही है, कुर्बानी की जा रही है, गाय की जा रही है, भैंसे की जा रही है, और उसका सारा मांस पकाकर खा जा रहे हैं, ये कौन सी कुर्बानी हुई? हिंदू भी कहते हैं बलि वैष्णुदेव यज्ञ कहते हैं। बलि वैष्णुदेव यज्ञ का अर्थ क्या होता है? हर गृहस्थी किसी भी पशु पक्षी को कुछ खिला करके खाए, इसको कहते हैं बलि यज्ञ। खिलाएंगे कहाँ? पत्थर की मूर्ति के आगे ले जाकर के जानवर को काट देते हैं, बकरे को काट देते हैं, फिर उसका मांस पकाकर खा जाते हैं, खुद खा जाते हैं। कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, मनमाना सबने आचरण कर लिया। ये बाम मार्ग है, उल्टा मार्ग, ये आसुरी मार्ग है। पशुओं की बलि चढ़ाकर उनके मांस का भक्षण करना ये असुरों का मार्ग है, मनुष्यों का नहीं, देवताओं का मार्ग नहीं। टोक भद्रा तीर्थ सार, और हम तीर्थ किसको मानते हैं? तुंगभद्रा नदी को हम अपना तीर्थ मानते हैं। पांचवी मन्या जो कहे, पांचवी मन्या क्या है? उर्धाता को नाम, और पांचवी मन्या का नाम है उर्ध्वा। ताको मठ सुमे रहे, और ये चार मन्याओं का आपने वर्णन सुना। काशी संप्रदा ठाम, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। पूरब में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में जोशी मठ, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। चार मठ, चार मन्याएं, इनकी पद्धति आपने सुनी। तीन मन्याएं और हैं जिनके सन्यासियों का कथन है कि हम संसार के किसी मन्या को नहीं मानते, किसी हम कर्मकांड से नहीं जुड़े हैं, हमारा कोई मठ नहीं है। इन्होंने, पांचवी मन्या वालों ने अपना मठ क्या मान लिया? सुमेरु पर्वत को अपना मठ मान लिया। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है, और ज्ञान का क्षेत्र क्या मान लिया? कैलाश क्षेत्र, क्योंकि सभी सन्यासी मानते हैं कि हमारे गुरु कौन है? शंकर जी कैलाश में ध्यान करते हैं, इसलिए कैलाश क्षेत्र को अपना ज्ञान का पद यानी स्थान मान लिया। पद का तात्पर्य है क्षेत्र। निरंजन देवता सत, और हमारे देवता कौन है? निरंजन, निराकार परमात्मा, निराकार निर्गुण है, और उसी को हम अपना देवता मानते हैं। माया को देवी कही, देवी कौन है? माया, यानी मायाम तु प्रकृति विद, मायनम तु महेश्वरम। प्रकृति को माया कहा है। एक तो परमात्मा है जो निराकार निर्गुण है, और उसकी शक्ति क्या है? माया, जिसको प्रकृति कहते हैं, इसलिए हम उसी को देवी मान लेते हैं। ईश्वर आचार्य मत, हमारे आचार्य कौन है? ईश्वर, महाविष्णु, सबल ब्रह्म, हिरण्यगर्भ जिनको कहते हैं, आदि नारायण जिनको कहते हैं, उसको हम अपना आचार्य मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर ज्ञान आया और उनसे ज्ञान सब ऋषियों को प्राप्त हुआ। छठी मन्या की विधि जो, आप छठी मन्या का प्रसंग सुनिए। बरनत अगम अगाध, छठी मन्या की जो बात है, बरनत अगम अगाध, छठी मन्या में ब्रह्मसृष्टियों की साक्षी है, इसको अगम और अगाध कहा है कि संसार के प्राणी छठी मन्या में जो तत्व ज्ञान कहा है उसको जान नहीं पाते।
दसों नाम का इष्ट है और दसों नाम के सन्यासी छठी मान्या को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इसमें तत्व ज्ञान बहुत है, आप उसको सुनिए। भजत बहुत विद साध और अनेक साधु संत तरह तरह से इसको स्मरण में रखते हैं। मन्या छठी कही आत्मा, अब देखिए छठी मन्या का नाम है, इन्होंने आत्मा रखा है। वो मठ क्या है? परात्म, मूल परात्म जो है मठ है। इन्होंने तत्व ज्ञान की बातें बहुत ऊंची कही है। हम आत्म तत्व को मानते हैं और इसका मूल क्या है? परात्म। आत्मा का संबंध परात्म से है, जैसे सागर होता है और उसकी लहर होती है, सूर्य होता है उसकी किरण होती है। किरण है आत्मा, लहर है आत्मा और उसका मूल क्या है? सागर और सूर्य। उसी तरह से जो सच्चिदानंद परमात्मा है हमारी आत्मा का मूल स्वरूप है। इसलिए आत्मा का मूल परमात्मा है। हम सागर स्वरूपी परमात्मा की लहरें हैं, ये छठी मान्यता का सिद्धांत है। संत संतुष्ट कहे संप्रदाय, सत संतुष्ट संप्रदाय। हमारी संप्रदाय का नाम क्या है? सत संतुष्ट, हमेशा आनंद में मग्न रहना। आप देखेंगे संन्यास मत में एक अच्छी बात सबसे बड़ी क्या है, ये अपने नाम के आगे आनंद लगाते हैं। हमारी पद्धति में लिखा है कुल मूल हमारो आनंद है, हम आनंद के अंग हैं लेकिन अपने नाम के आगे दास लगाते हैं। दास लगाने से हमारे अंदर हीन भावना घट जाती है। मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए लेकिन स्वाभिमान भी नहीं खोना चाहिए। यदि आपको अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं होगा तो आप कभी भी महान कार्य नहीं कर सकेंगे। विदेशियों ने भारत के लोगों को हीन भावना से ग्रसित कर दिया। उन्होंने इतिहास में ऐसा लिख दिया कि भारतवासी तो हमेशा से गुलाम होते आए हैं। सिकंदर ने हमला किया, मुगलों ने किया, तुर्कों ने किया, अफगानों ने किया, पठानों ने किया, औरंगजेब और अंग्रेजों ने किया। यहाँ के लोग कभी स्वतंत्र नहीं रहे, इनकी अपनी कोई संस्कृत विशेष नहीं रही है। आज भी वही बात कही जाती है कि हिंदू तो हमेशा से गुलाम बनते आए। एक बार एक मिलिट्री के मेजर ने, जो अपने सुंदर साथ थे, मेरे से कहा कि जब सिकंदर के सैनिक आए थे तो भारत में कुछ बस गए और उनके जो संतान हुई तो वो उधर पंजाब की तरफ बस गई, वो बहुत बहादुर होते। मैं सिर पकड़ कर बैठ गया कि देश की सेना का एक मेजर जब ऐसी बातें कहेगा तो सेना का मनोबल क्या होगा? क्या इस देश में बहादुर नहीं पैदा होते? जिस देश ने भीम अर्जुन को पैदा किया, राम को पैदा किया, बाली सुग्रीव को पैदा किया, जिस देश ने शिष्ट के प्रारंभ से लेकर युधिष्ठिर तक संसार में कोई चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं तो सब भारत में हुए। भारत की संस्कृति सारे विश्व पर राज करती रही लेकिन कब रहा? जब तक यहाँ के लोग वेद मार्ग पर चलते थे, ज्ञान में ध्यान में तल्लीन रहते थे, सत्य और धर्म का आचरण करते थे, तब तक धर्म की पताका भारत की संस्कृति की, भारत के ज्ञान की पताका सारे विश्व में फहराती थी। एतद् देश प्रसूतस्य साकाशात् अग्रजन्मना स्वसम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा। इस देश में उत्पन्न महापुरुषों के चरणों में बैठकर संसार के सभी लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। जब ऑक्सफोर्ड नहीं था, कैम्ब्रिज नहीं था, तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तो 500-600 वर्ष से बने हैं। जब दुनिया में यूरोप असभ्यता का शिकार था उस समय भारत में नालंदा और तक्षशिला विक्रमशिला के विश्वविद्यालय जगमगा रहे थे। विश्वगुरु था भारत लेकिन उस समय भारत में शिक्षा का प्रभाव था। और जब से सोमनाथ का मंदिर हो चाहे कामाख्या का मंदिर हो, मंदिरों की बाढ़ आ गई तो गुरुकुल ध्वस्त होते गए, विश्वविद्यालय का नामो निशान मिट गया। जो देश सारे संसार को ज्ञान देता था वही अशिक्षा के ढेर पर बैठ गया और यही पतन का कारण है। किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज में ज्ञान फैलाइए, किसी समाज को नष्ट करना है तो समाज को अशिक्षित और संस्कार विहीन बना दीजिए। हिंदू समाज का उद्धार शिक्षा से होगा। गुरुकुल बनाए जाएं, विश्वविद्यालय बनाए जाएं, महलों की तरह सुंदर मंदिर बनाने से
और वहाँ घंटी घड़ियाल बजाने से कभी भी धर्म का उद्धार नहीं होगा। मंदिरों से पंडित पुजारी पैदा होंगे, कोई विद्वान मनीषी या परमहंस पैदा नहीं हो सकता, कोई योगी महापुरुष नहीं पैदा होता मंदिरों की संस्कृत में, क्योंकि वहाँ तो 24 घंटा चढ़ावा ही चढ़ता है। 56 प्रकार के भोग खा खा कर पंडित पुजारी लोग भी कभी सन्निमित जीवन, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, नहीं बिता सकते। यही कारण है कि आप जगन्नाथपुरी भी जाकर देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा पंडा हो जो मांस मछली और शराब का सेवन न करता हो। ये दुर्व्यवस्था क्यों होती है, उनका क्या दोष है? उस पद्धति का दोष है। जब अनावश्यक धन मठों में आएगा और उस धन का उपयोग शिक्षा में नहीं होगा, तो जो भोजन गृहस्थी को खाने के लिए है, तामसिक भोजन, मिर्च खाएंगे, मसाले खाएंगे, घी दूध पुष्टकर भोजन करेंगे, तो कहीं ना कहीं बुद्धि का पतन अवश्य होगा। दुग्ध को सात्विक रूप से किया जाए तो वो योगी का भोजन है, लेकिन दुग्ध को उसमें केसर डाला जाए और तरह तरह के तामसिक पदार्थों के साथ सेवन किया जाए, उसी के घृत को पूरे पकवान के रूप में खाया जाए, तो औषधि के रूप में जो घी होता है वो भी तमोगुण के रूप में प्रयुक्त होता है। मनुष्य को अपनी ऊर्जा ज्ञान और भक्ति में लगानी चाहिए। जब प्राचीन काल में बड़े बड़े गुरुकुल थे, विश्वविद्यालय थे, तो साधु महात्मा ब्रह्मचारी अपनी सारी ऊर्जा ज्ञानार्जन में लगा देते थे। अब इनकी परंपरा नष्ट हो गई। किसी भी मठ में जाइए, पूजा पाठ हो रहा है, शाम सुबह पूजा पाठ हो गया, पूरे दिन कोई काम नहीं, बैठे रहना है, गप्पे लड़ाना है, न पढ़ना है, न भक्ति करनी है, तो मन में विकार पैदा होंगे और इससे क्षय किसका हो रहा है? जो साधक प्रवृत्ति के हैं, जो मोक्ष की तलाश में घर द्वार छोड़ते हैं। लाभ किसको होता है? जो चंद मठाधीश हैं उनको लाभ होता है, जो पंडित पुजारी हैं उनको लाभ होता है। क्षति किसकी होती है? पूरे देश के हिंदू समाज की क्षति होती है। हिंदू समाज का अरबों रुपया इन मंदिरों में चढ़ावे के रूप में जाता है, टैक्स के रूप में काफ़ी हिस्सा सरकार के पास चला जाता है। सच तो ये है कि सरकार ने जो आमदनी वाले मंदिर हैं उनका अधिग्रहण कर रखा है और वही पैसा कहीं ना कहीं दूसरे मदों में खर्च हो जाता है। हिंदू समाज का यह पैसा यदि शिक्षा में खर्च हो, स्वास्थ्य में खर्च हो, तो कोई भी अपना धर्म छोड़कर दूसरे के मत पंथ को क्यों स्वीकार करें? यदि वही धन परमात्मा के ज्ञान के फैलाने में लगाया जाए, परमात्मा की भक्ति फैलाने में लग जाए, तो हिंदू समाज का इस तरह से पतन न हो जो अब तक हजार वर्षों से होता आया है। जोग पद पर न भूला, और ये हमारी भक्ति का मार्ग है जिसको कोई भी छोड़ता नहीं है। अब मन्या सुनो साथ में, अब सातवीं मन्या की बात सुनिए। जम्बू दीप भरत खंड माही, जम्बू दीप में भरत खंड के अंतर्गत है। ब्रह्मा पुत्र शिखा सही, ब्रह्मा के जो मानसी पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये शिखा हैं और संख्यायन ऋषि सूत्र हैं। सूत्र शाखाता ही, और संख्यायन ऋषि को सूत्र कहा गया है। चार मठ के चार ब्रह्मचारी, चारों मठों के जो चार ब्रह्मचारी हैं। चार मठ आपने सुने, पूर्व में पूर्व का मठ जो गोवर्धन मठ, पश्चिम का शारदा मठ और उत्तर का जोशी मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ। इन चारों मठों के जो में जो ब्रह्मचारी रहते हैं, आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश, वे अपने नाम के आगे आनंद स्वरूप चैतन्य और प्रकाश लगाते हैं। वे मानते हैं कि हम आनंद में हैं। हंस परम हंस बोध कुटीचर, ये सन्यासियों के चार स्तर हैं। बोध किसको कहते हैं? कुटीचर का नाम क्या है? कुटीचर यानी कुटी बना करके रहने वाला। बोध किसको कहते हैं? जो सात घरों से भिक्षा ग्रहण कर सकता है और कहीं कुटिया बनाकर नहीं रहता। हंस का अर्थ क्या होता है? जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो। परमहंस किसको कहते हैं? जिसने आत्मज्ञान के साथ साथ परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है और परमात्मा का दर्शन पाकर परमात्मा के आनंद में विचरण करता है। सत्व रज तम से जो परे की अवस्था में चला गया है,
उसको कहते हैं परमहंस। वास्तव में परमहंस केवल ब्रह्म सृष्टि को कहते हैं, इसलिए कहा गया है कि परमहंस जाहिर भय। हंस कहा जाता है ईश्वरीय सृष्टि को। कबीर जी ने तीन श्रेणियां बताई हैं। जीव सृष्टि को बगुला कहा जाता है। बगुला है, आप देखें वो भी सफ़ेद रंग का होता है। ईश्वरीय सृष्टि को हंस कहा जाता है। बगुला गंदी से गंदी चीज़ को, कीड़े मकोड़े को खा जाएगा। हंस केवल मोती चूकता है, और हंस से भी परे है परमहंस। यानी जीव सृष्टि है बगुला, ईश्वरीय सृष्टि है हंस, और ब्रह्म सृष्टि है परमहंस। सातों मठ के सन्यासी बोले। अब ये सातों मठ के जो सातों संप्रदाय के जो सन्यासियों ने श्री जी को अपनी पद्धति बनाई बताई, श्री जी सुन करके दंग रह जाते हैं कि छठी मन्या के अतिरिक्त इनमें किसी के पास तत्व ज्ञान नहीं है। हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है। ये भी तो वैष्णों के चार पंथों की तरह ये भी शून्य निराकार वैकुंठ तक ही जानते हैं। इनको भी पता नहीं है कि संन्यास मत वेद का सर्वोपरि मार्ग है, और जो हर वेद अनुयायी जो प्राचीन काल में संन्यास लेता था, संन्यास शब्द तो वही चला आ रहा है, लेकिन हमारी आचार संहिता वैसी नहीं रह गई है। अब संन्यासियों की भीड़ तो दिखाई देती है, कहलाने को 70 लाख महात्मा इस देश में, भले ही उनके अखाड़े अलग अलग हों, लेकिन किसी न किसी रूप में तो वो सन्यासी हैं। जिनको योगी कहा जाता था, यति कहा जाता था, तपस्वी कहा जाता था, ज्ञानी कहा जाता था, आज वो सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आज बड़े बड़े सन्यासियों के आप ठाट बाट देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। एक तो गृहस्थी बेचारा परिश्रम करता है, संसार के सुख इकट्ठा करता है, तो जिन्होंने बड़े बड़े मठों के अधिपति का पद प्राप्त किया है, उनका नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि वो भी शंकराचार्य, दयानंद, गौतम, महावीर स्वामी के पद चिन्हों पर चलें, जिन्होंने सारे जीवन तप त्याग का आदर्श प्रस्तुत किया, उन्होंने ज्ञान की, वैराग्य की, साधना की एक सरिता ही प्रवाहित कर दी। उनके चरणों में जाने वाला हर व्यक्ति स्वयं को धन धन अनुभव करता था। आज तो चमक दमक है, कुंभ में जाइए तो नागा साधुओं का एक समूह दिखाई देगा जो नग्न होकर अपने त्याग को दर्शाता है। सुनने में तो ये भी आता है कि नागा सन्यासियों में अधिकतर भाड़े के कई नागा तैयार कर दिए जाते हैं, कपड़े उतार कर कुछ दिनों के लिए नागा बन जाते हैं। इस कथन में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो जरूर है कि नागा कहलाने वाले महात्मा अधिकतर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से रहित होते हैं। कपड़े पहनने से वैरागी बना जाए तो पशु पक्षी तो जन्म से ही वैरागी हो जाए। कपड़े का त्याग सरोपर त्याग नहीं है, सरोपर त्याग है तृष्णाओं का त्याग। शंकराचार्य ने एक आदर्श सन्यासी के रूप में दर्शाया कि जीवन क्या होता है। 16 वर्ष की अवस्था में वो व्यक्ति निकल पड़ता है कि सारे देश से नास्तिकता को उखाड़ फेंकना है। आप देखेंगे इस देश में जो भी महान सन्यासी हुए हैं, उन्होंने संसार से कोई धन नहीं मांगा अपने लिए, अपने नाम से कभी बैंक बैलेंस नहीं किया, अपने लिए कभी वाहन नहीं कहा कि मेरे लिए 60 लाख का, 40 लाख का, 25 लाख का वाहन चाहिए। भर्तृहरि कहते हैं कि बिना मांगे जो मुझे मिल जाता है मैं वही ग्रहण करता हूँ। कभी मैं भारत का सम्राट था, अब तो भिक्षा में मिला हुआ जौ का सत्तू मिल जाता है तो उसको मैं ग्रहण करके अपने परमात्मा की याद में मैं रहता हूँ। और मुझे लगता है कि यही सच्चा पद है। ये राजमहल, ये संसार के सुख, ये तो सब यही रह जाएंगे। अब मैं परमात्मा के प्रेम और आनंद में विचरण करता हूँ। सन्यासी कौन है? सम्यक नितमाहते यत्वा सम्यक निसंति दुखान कर्माण ये सन्यासो सब प्रशस्ते विदते यस सन्यासी, जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए।
और जिससे शाश्वत आनंद को प्राप्त किया जाए उसको सन्यास कहते हैं। वस्त्र धारण से सन्यास नहीं होता, सन्यासी तो ब्राह्मण का, ब्राह्मण यानी जो वेद के तत्व को जानता हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। शूद्र कुल में किसी का जन्म होता है यदि उसके पास तप है, त्याग है, ज्ञान है, वैराग्य है तो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के घर जन्म लेकर वो ज्ञान से, भक्ति से, शिष्टाचार से रहित है तो वो शूद्र है। जो उस पद को प्राप्त हो जाए वही सन्यास ले सकता था, और जिन्होंने सन्यास की मर्यादा का पालन किया उसके सामने तो चक्रवर्ती सम्राट को भी खड़ा होना पड़ता था। आज देखिए, आज तो स्थिति इतनी हो गई है भीषण कि आप ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं, संयोग से आपने महात्मा के कपड़े पहन लिए हैं, कुछ लोग गुजरेंगे तो देखकर पीठ पीछे हंसी उड़ाते जाएंगे। यानी पढ़े लिखों की नज़र में आज महात्मा एक अपराधी के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि इस वेशभूषा को धारण करके कुछ लोगों ने ऐसे अनैतिक कर्म कर दिए कि आज पूरा सन्यासी वर्ग कलंकित हो गया है। ये कलंक कब मिटेगा? जब सभी सन्यासियों के अंदर तप होगा, त्याग होगा, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, भक्ति की धारा होगी, तब तो समाज उनसे प्रेरणा लेगा। समाज का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक ही यदि पथभ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा? इसलिए मनुस्मृत में कभी सोचा भी नहीं गया कि सन्यासी पाप कर सकता है, क्योंकि उस युग में ऐसे व्यक्ति को सन्यासी बनाया ही नहीं जाता था। और आजकल तो सन्यासी के वस्त्र धारण करके जो बड़े बड़े जघन्य कार्य होते हैं, यहाँ तक कि हत्याएं तक भी सन्यासी भेषधारी लोग करवा देते हैं। कितनों का शारीरिक और मानसिक शोषण, धन का शोषण सन्यास भेष में किया जा रहा है, क्योंकि ये भेष ऐसा है जिस पर सब लोग विश्वास करते हैं कि ये भेष कभी कोई पाप कर्म नहीं करेगा। और इसी का परिणाम है कि अयोग्य लोगों ने, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने सन्यास के क्षेत्र में प्रवेश करके सन्यास को कलंकित कर दिया। सात मन्या के सात मंत्र है, और सातों मन्याओं के सात प्रकार के मंत्र हैं जो अपनी अपनी पद्धति के उन्होंने मंत्र सुनाए। और आगे क्या कहते हैं? जल्दी सट दर्शन माता पिता उदाहरण कर कारण, माता पिता का उद्धार करने के लिए, माता पिता का उद्धार करने के लिए चलो। अपने पिंड और प्राण, अपने शरीर के कल्याण के लिए, यानी हमने संन्यास धारण किया है तो हमारे माता पिता का भी उद्धार हो जाएगा और हमारा ये शरीर भी सार्थक हो जाएगा। पूर्व जन्म उद्धार वे, और हमारे पूर्व जन्म का भी उद्धार हो जाएगा। मत संन्यास प्रणाम, ये संन्यास धारण करने का लक्ष्य है। जागृत कुल गुरु चरण बरण्यो, जागृत कुल को जागृत करने वाला है। चलिए, नशे कोट अध पाप, और इस संन्यास को धारण करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलचाल में एक कहावत कही जाती है कि जिसके घर में कोई महात्मा बन जाता है उसकी सात पीढ़ियां तर जाती है। या महात्मा बनने से आशा नहीं है, ब्रह्मज्ञानी बनने से है। जिसके परिवार में कोई व्यक्ति ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है उसकी सात पीढ़ियां तरने का तात्पर्य उस परिवार में संस्कार इतने पवित्र हो जाएंगे कि निश्चित है कि वो ज्ञान की धारा चलती रहेगी और सात पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाएगी। कहने का आशय क्या है? संन्यास का लक्ष्य होना चाहिए केवल परमात्मा का साक्षात्कार। संन्यास का लक्ष्य ये नहीं कि हम किसी मठ के महाराज बन गए और अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, शिष्यों का समूह हमारे चरण दबा रहा है, हम 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, ये संन्यास का लक्षण नहीं है। हमारा कमरा वातानुकूलित हो, चार चार लोग हमारे दरवाजे पर खड़े हों, अच्छे अच्छे भोजन बना कर लाएं, यह संन्यास का लक्षण नहीं है। गौतम बुद्ध को देखिए, किसी के पास जाते हैं भिक्षा में, एक घर से दो मुट्ठी अन्न मिल गया, कुछ भी मिल गया, वही ग्रहण कर लेते हैं।
गौतम बुद्ध ने कभी धन संग्रह नहीं किया, वृक्षों के नीचे ही अपना तन छोड़ा। महावीर स्वामी ने संन्यास लेने के पश्चात कभी वस्त्र धारण नहीं किया। दयानंद अपने नाम के आगे अपने कोई धन संपदा छोड़कर नहीं गए, शंकराचार्य कोई धन संपदा नहीं छोड़ गए। शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी कि चारों मठों से चारों वेदों का प्रचार होगा, लेकिन शंकराचार्य वहाँ मठ बनाकर खुद महंत बनकर आराम करने लगे। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा कर्तव्य क्या है। हजार वर्षों तक देश गुलाम बना रहा, जन जागृति इन्होंने भी नहीं की। आप देखेंगे कि शंकराचार्य कहीं जाएंगे तो उनके साथ एक बहुत बड़ा काफिला चलेगा, कहीं भी जाएंगे तो चांदी का सिंहासन उनके साथ रहेगा। अरे भाई, आप संन्यास लिए हैं तो चांदी के सिंहासन का मोह क्यों पकड़े हुए? ये तो सिंहासन ने तो आपका बंधन बना लिया है। संन्यासी वो जो किसी सिंहासन के मोह में ना बंधे, केवल परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की भक्ति है जिसके जीवन का लक्ष्य हो, और संसार को उसके तरफ ले चलना, ये संन्यास जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नारायण की है प्राप्ति, और इससे क्या होता है, नारायण की प्राप्ति होती है संन्यास को ग्रहण करने से। पारायण सब जग आप, और जो सर्वत्र जगत में व्यापक हो रहा है उसी नारायण की प्राप्ति होती है इससे। पश्चिम मनिया के तीर्थ आश्रम, और पश्चिम मनिया के जो तीर्थ आश्रम है, पूर्व मनिया वन आरण, पूर्व मनिया के जो सन्यासी हैं उनके नाम के आगे वन और अरण्य जोड़ता है। उत्तर मनिया गिरि पर्वत सागर, उत्तर मनिया के गिरि पर्वत और सागर नाम जोड़ते हैं। सबके तरण तारण, और इसको ग्रहण करने से सबको अखंड मुक्ति होती है। आपने ये सुना, ये दस नाम सन्यास मत, दस नाम सन्यास मत वालों ने अपनी जब पद्धति बताई तो श्रीजी सुनकर के आश्चर्य कर गए। इन्होंने कहा कि देखिए, ब्रह्मा विष्णु शिव सन्यास के आचार्य हुए सत्युग में, यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव सन्यास के आचार्य कहलाते हैं। ये भी एक सन्यासी थे। ब्रह्मा जी ज्ञान में लगे, शंकर जी साधना में लगे, और विष्णु भगवान अपने ज्ञान से सबकी रक्षा करते रहे। ये भी बद्रिकाश्रम में तप किया विष्णु भगवान ने, मानसरोवर में बद्रिकाश्रम में विष्णु भगवान ने तपस्या की, कैलाश में शंकर जी ने तपस्या की, और ब्रह्मा जी ने भी हिमालय में पुष्कर में साधना की, यज्ञ किया। ये भी योगी महात्मा हैं, परमात्मा नहीं है, परमात्मा कोई और है। सतयुग में ब्रह्मा विष्णु शिव सन्यास के आचार्य हुए, त्रेता में वशिष्ठ शक्ति और पराशर हुए, द्वापर में सुखदेव और व्यास हुए, और कलयुग में गौड़ गोविंद पाद और शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य के चार शिष्य हुए, फिर उनके चार शिष्यों के भी जो दस शिष्य हुए, उन दस शिष्यों ने दस नाम संन्यास मत प्रचलित किया। श्री जी ने जब उनकी पद्धति सुनी तो कहा कि अखंड का ज्ञान तो उनके पास भी नहीं, ये ग्रंथों को तो पढ़ते हैं लेकिन इनका वास्तविक तत्व ज्ञान इनके पास नहीं। अब इसके पश्चात छह दर्शनों के आचार्य खड़े हो गए कि प्राणाची, हम आपको अपने दर्शनों का ज्ञान बताएंगे। छह दर्शनों में कोई भिन्नता नहीं है, छह दर्शनों में एक सत्य की बात कही गई है लेकिन उसको कोई जान नहीं पाता। जैसे रोटी बनाना है आपको, तो रोटी बनाने के लिए उपादान कारण आटा चाहिए, उसके पश्चात उसमें पानी कितनी मात्रा में मिलाया जाए ये भी चाहिए, कैसे पकाया जाए इसका ज्ञान होना चाहिए। समय लगेगा तो रोटी बनेगी, परिश्रम नहीं किया जाए तो रोटी नहीं बनेगी। यानी चूल्हा अलग रखा हो, आटा अलग रखा हो, पानी अलग रखा हो तो भी रोटी नहीं बन सकती। इसी प्रकार सृष्टि के छह कारणों की व्याख्या छह शास्त्रों में दी गई है। भागवत में माना जाता है कि ब्रह्मा जी के चार मुखों से चार वेदों का प्रकटन हुआ और उन्हीं से छह शास्त्रों का प्रकटन हुआ। ये भागवतकार की अपनी मान्यता है, ऐसा नहीं है। कहा है मनुस्मृत में, अग्नि वायुभ्यवतु त्रयम् ब्रह्म सनातनम् दुदो यज्ञ सिर दर्दम ऋक रजु साम लक्षणम्।
अग्नि, वाय, आदित्य और अंगिरा, इन चार ऋषियों के अंदर एक एक वेद का प्रकाश हुआ और ब्रह्मा जी ने इन एक एक ऋषि से एक एक वेद के ज्ञान को ग्रहण किया। इसलिए ब्रह्मा जी के चार मुख कहे गए। ब्रह्मा जी के वास्तव में चार मुख नहीं थे, चार ऋषियों से चारों वेदों का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। छह दर्शन छह ऋषियों के बनाए हुए हैं। वेदांत दर्शन बनाया व्यास जी ने, मीमांसा दर्शन बनाया जैमिनी ने, कपिल ने सांख्य दर्शन बनाया, कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन बनाया, गौतम ने न्याय दर्शन बनाया और पतंजल ने योग दर्शन बनाया। सृष्टि के छह कारणों की एक एक दर्शन में व्याख्या की गई है। जैसे निमित्त कारण सृष्टि को बनाने वाला कौन है? ब्रह्म। इसकी व्याख्या वेदांत दर्शन में की गई है। जैसे रोटी बनाने वाला यदि न हो निमित्त कारण तो रोटी नहीं बनेगी, उसी तरह सृष्टि बनाने वाला परमात्मा न हो तो सृष्टि नहीं बनेगी, इसकी व्याख्या की गई है वेदांत दर्शन में। कैसे रोटी बनाई जाए इसकी व्याख्या की गई है मीमांसा में। किससे रोटी बनाई जाए, यानी जब तक प्रकृति न हो, आटा न हो तो रोटी नहीं बनेगी। निमित्त कारण ब्रह्म के साथ यदि उपादान कारण प्रकृति न हो तो सृष्टि नहीं बनेगी, इसकी व्याख्या की गई है न्याय दर्शन में। और पानी और आटे की मात्रा कैसी हो इसकी व्याख्या की गई है सांख्य दर्शन में, यानी किस तरह से मूल प्रकृति के परमाणुओं में क्षोभ होता है, कैसे अन्य महत्तत्व की अहंकार की रचना होती है, सृष्टि का प्रकटन होता है, इसकी व्याख्या की गई है सांख्य दर्शन में। समय के बिना रोटी नहीं बनेगी, बिना समय के कोई भी सृष्टि बन नहीं सकती, इसकी व्याख्या है वैशेषिक में। और जब तक पुरुषार्थ न किया जाए, बनाने वाला बनाए नहीं, रोटी बनाने वाला चुपचाप बैठा रहे रसोईया, तो रोटी नहीं बन सकती, यानी निमित्त कारण ब्रह्म यदि सृष्टि न बनाए तो सृष्टि नहीं बन सकती, इसकी व्याख्या है वेदांत योग दर्शन में। यानी सृष्टि के छह कारणों की छह दर्शनों में व्याख्या है, लेकिन इस तत्व को न जानने के कारण छह दर्शनों के विद्वान आपस में लड़ते रहते हैं, हमारे दर्शन की बात सही है, हमारे दर्शन की बात सही है। छह दर्शनों में एक सत्य को परिभाषित किया गया है। ऋषियों ने वेदों से जो तत्व ज्ञान ग्रहण किया उसको सरल शब्दों में सूत्रों के रूप में छह दर्शनों में प्रस्तुत किया, जिसको छह शास्त्र कहते हैं। अभी आपने सुना था, कल सुना वैष्णव के पंथों के बारे में और आज भी उनका प्रसंग रहा। दस नाम संन्यास मत की जो विचारधारा है उसके विषय में भी आपने सुना और आप कल सुनेंगे छह दर्शनों की विचारधारा क्या कहती है और निजानंद संप्रदाय की पद्धति क्या है। इस पद्धति में क्या बताया गया है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, हमारी पद्धति क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारी पद्धति का नाम क्या है, शिखा क्या है, सूत्र क्या है, पूरी क्या है, धाम क्या है, इष्ट क्या है, ये सारी बातें कल सुनने को मिलेगी। और ये पद्धति ही हमारा आधार है। किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति से आप मिलेंगे तो आप उसकी पद्धति सुनकर जान सकते हैं कि ये परमात्मा का स्वरूप क्या मानता है, परमात्मा कहाँ है, कैसा है, और परमात्मा का धाम क्या है, लीला क्या है। पद्धति से पाँच मिनट में पता चल जाता है कि इनका मूल सिद्धांत क्या है। इसलिए हरिद्वार के शास्त्रार्थ में जहाँ सभी पंथों के आचार्य बैठे हुए हैं, अपनी अपनी पद्धति पर प्रकाश डाल रहे हैं और कल की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने में जरूर ऐसा लगता है कि कुछ रोचकता कम है, लेकिन जिसने हरिद्वार के शास्त्रार्थ को समझ लिया उसने हिंदू धर्म के मूल तत्व को ग्रहण कर लिया कि कहाँ कहाँ भूले हुई हैं, वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, और सभी संप्रदाय वालों ने अपनी पद्धति वेद शास्त्र से उलट बना रखी है। यही कारण है कि आज हजार संप्रदाय हैं और सभी पंथों के आचार्य आपस में लड़ते रहते हैं। एक मंच पर सभी पंथों के आचार्यों को बुला दीजिए और कहिए कि सच्चा मार्ग बताइए, तो सभी हजारों आचार्य कहेंगे हम अकेले सच्चे हैं और ये 999 सब झूठे हैं, केवल हमारे पंथ में आओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन तारतम ज्ञान का प्रकाश सारे रहस्यों से पर्दा उठाता है,
यह बताता है कौन है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का मूल घर कहाँ है, और प्रियतम अक्षरातीत ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी असीम कृपा की है। आवसी आवसी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सतवाणी सबों की करी, अब आए करो दीदार। कौन प्रकटा है, वही प्राणनाथ प्रकटे हैं, सारी दुनिया का प्राणनाथ है, प्राणवल्लभ प्राण प्रीतम, जिसको दुनिया खोजती रही थी। अथर्ववेद के मंत्रों में प्रार्थना की गई है, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदमसि, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्, नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते, विद्युत के तुल्य जिसकी कांति है, सबके जीवन का आधार है, वही सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, और उनके द्वारा दिए हुए तारतम ज्ञान के प्रकाश से हम यह जान सकते हैं कि वास्तविक ब्रह्म तत्व क्या है। वो ब्रह्म तत्व जानकर हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब तक सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति न हो, हमारा यह मानव जीवन निरर्थक हो जाता है। संप्रदायों की किचकिच में हर कोई अपनी बात को सच कहता है, दूसरी बात का खंडन करता है। तारतम वाणी हमें उस चौराहे पर खड़ा कर देती है, जिसे पता चलता है कि वेद में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है, दर्शन शास्त्रों में क्या लिखा है, संतों की वाणियों में क्या लिखा है। और जब एक सत्य का बोध हो जाएगा, तो इतने ही बैठे घर जागे धाम पूरे मनोरथ हुए सब काम की स्थिति को प्राप्त हो जाएगी। यदि तत्व ज्ञान नहीं मिलता, तो आज तो 100 करोड़ हिंदू रहते हैं भारत देश में। आप किसी से जाकर पूछिए, किसी भी पूरी में जाकर के पूछिए, जिसको धाम कहते हैं, जहाँ लाखों लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, सच्चिदानंद परमात्मा की पहचान कहाँ, क्या है सच्चिदानंद परमात्मा, कैसा है सच्चिदानंद परमात्मा, कौन है, कोई किसी को बताएगा, कोई किसी को बताएगा। लेकिन तारतम वाणी सीधा मार्ग दिखाती है कि निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, जो हद बेहद से परे हैं, निराकार साकार से परे हैं, उस स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म का ज्ञान तारतम वाणी देती है। कल के शास्त्रार्थ में यही निर्णय होगा कि हमारी पद्धति क्या है, 6 दर्शनों का विषय क्या है। श्री जी के प्रश्नों के आगे 6 दर्शनों के आचार्य उत्तर नहीं दे पाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। आप देखेंगे हरिद्वार के शास्त्रार्थ में सभी पंथों के आचार्य नतमस्तक होकर श्री प्राणनाथ जी की जय जयकार करेंगे, और किस प्रकार हमें बोध होगा कि हमारी वाणी का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान को आत्मसात कर लें, तो आज भी सारे संसार में सत्य का प्रकाश हो सकता है। सत्य का प्रकाश करना ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होता है। यदि हम अज्ञानता का अंधकार ऐसे ही फैलाए रखें और करोड़ों अरबों के बड़े बड़े मठ मंदिर और आश्रम बना लें, तो इससे धर्म का कोई भी भला होने वाला नहीं है। धर्म का भला होगा ज्ञान के प्रकाश से। हर प्राणी के हृदय को मंदिर बना दीजिए, जिसमें परमात्मा का स्वरूप जगमगाता रहे। हर प्राणी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश दीजिए, भक्ति की धारा बहाइए, अन्यथा दूध के आप लाखों मन दूध शिवलिंग पर शालिग्राम पर चढ़ा दीजिए, कोई लक्ष्य हासिल होने वाला नहीं है। ज्ञान की धारा प्रवाहित कीजिए, भक्ति की धारा प्रवाहित कीजिए, सबको उसमें स्नान कराइए, ताकि संसार के सभी प्राणी मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकें। अब चौपाई तो रहे श्रृंगी ऋषि के ऊर्ध्वाचार्य, तीन के सरस्वती भारती पूरी, ये 10 नाम विस्तार कलयुग में, संन्यास संप्रदा प्रगट करी, संन्यास संप्रदा प्रगट करी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।